ओके, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू योर वेरी एक्सक्लूसिव सीएमए फाइनल एससीएम क्लासेस फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट इन वेरी एक्सक्लूसिव वे मीन्स वी विल बी ओनली डीलिंग विथ So we'll be dealing with exclusively for CMA final syllabus and the type of questions and the pattern of examination which is applicable only in CMA final. ठीक है, students के बहुत सारे request आए हमेशा और वो आजकल सब सब यही चाहते हैं कि हमारे course के हिसाब से exclusive class हो तो बहुत अच्छा है और रिक्वायरमेंट भी है। फैक्ट इज द रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो देयर। तो लास्ट ईयर हमने सी ए फाइनल एस सी एम पी जो सब्जेक्ट होता है उसका पूरा एक्सक्लूसिव ऑलरेडी करा दिया, तो इस बार हम लोग इनिशिएटिव लेके अब सी एम ए के लिए करेंगे। इस तरह से हमने सी एम ए इंटर के लिए भी सब कर दिया, सी एम ए इंटर कॉस्ट वन, कॉस्ट टू, सी ए इंटर कॉस्ट, ये सब एक्सक्लूसिवली कराया जा चुका है। ये पॉसिबल नहीं है, जब एक्सक्लूसिव करते हैं ना तो एक ही समस्या आती है कि स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशन रहता है, जैसे साल में दो टर्म होते हैं तो दोनों टर्म में एक्सक्लूसिव पढ़ा दीजिए सर, वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वर्कलोड सीधा डबल हो गया। तो साल में एक लाइव बैच हो सकता है बट ये पॉसिबल नहीं है कि साल में दो दो लाइव बैच होगा, क्योंकि एक इसका होगा तो एक उसका होगा, ऐसे चलेगा। खैर, अभी देखिए एक असमंजसता है बहुत सारे बच्चों में, ठीक है, कि ओल्ड सिलेबस में रहना है कि न्यू सिलेबस में रहना है। तो उस असमंजसता को पहले मैं क्लियर कर देता हूं। आप सोचिए, जब न्यू सिलेबस अनाउंस हुआ ना तब से मैसेजेस आ रहे हैं, सर मैं न्यू में दूंगी ओल्ड में, सर मैं ओल्ड में पढ़ रहा हूं न्यू में ट्रांसफर हो जाऊं क्या, सर मैं जो ओल्ड में पढ़ रहा हूं न्यू में काम तो आएगा ना, ठीक है। और इस चक्कर में बच्चे पढ़ाई बंद कर दी, उनको तो बहाना चाहिए ना नहीं पढ़ने का, कोई तो एक बहाना मिलना चाहिए। तो बस बहाना यह है कि ओल्ड वर्सेस न्यू का टेंशन हो गया इसलिए पढ़ाई छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा सोचो, इंस्टीट्यूट आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो तहस नहस हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उससे जो बच्चों का अफेक्ट हो रहा है वो तो ठीक है, वो तो अफेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली, मतलब उनके ऊपर अत्याचार हो ही रहा है। लेकिन जिनका एग्जाम दो साल बाद है वो भी पढ़ाई छोड़ दिया, क्यों? बोला मेरा भाई बहन के साथ इतना कुछ हो रहा है इसलिए हम सह नहीं पा रहा, इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पा रहा। तो वो ये सोच रहा है कि हम अगर अब ऐसा मिसमैनेजमेंट में पास भी हो गया तो मेरा वैल्यू रहेगा। तो मैं ये बोलता हूं, बेटा तुमको खाली नहीं पढ़ने का बहाना चाहिए, है कि नहीं? तो एक भगवान से आप प्रार्थना करते हो हर समय कि ऐसा कुछ मेरे को आसपास दिखा दो कि मैं उसको पकड़ के बैठ जाऊं और पढ़ाई छोड़ दूं। तो पॉइंट इज, आपको ना ओल्ड और न्यू का कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहिए पहला, ठीक है, क्योंकि लकीली ओल्ड और न्यू नाम के लिए है, फाइनल में कोई फर्क नहीं पड़ा। जस्ट आपको पता है ना पेपर 20 में ऑप्शन दे दिए गए तीन, अगर न्यू के लिए जिनको जानकारी नहीं है उनको बता रहे, पेपर 20 जो आपका है उसमें तीन ऑप्शन क्रिएट कर दिए गए। ऑप्शन नंबर वन है जो ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है SPMBV, ऑप्शन नंबर टू बना दिया रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर थ्री बना दिया है एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के ऊपर। तो तीन में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुन के परीक्षा देना है, बट SPMBV तो पहले से ही था, खाली दो नया ऑप्शनल सब्जेक्ट बना है, उस तीन में से एक का एग्जाम देना है। अब कोई बच्चा बोल रहा है हम SPMBV नहीं देना चाहते, हम रिस्क मैनेजमेंट दे दे क्या? हम बोले भाई सिलेबस तो आने दे। फिर बोल रहा है नहीं सर हम एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, हम जॉब नहीं करना चाहता, तो हम एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर दे दे क्या? मैं यही बोल रहा हूं भाई सिलेबस तो आने दे, अभी क्यों परेशान हो रहा है? सर मैं SPMBV पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते ये सोचा कि मैं न्यू सिलेबस में ट्रांसफर हो जाऊं, तो एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का ज्यादा वैल्यू है कि इस सब्जेक्ट का ज्यादा वैल्यू है? भाई सिलेबस तो आने दे, इतना हड़बड़ क्या है?
तो फैक्चुअली आपका फाइनल में ना कोई चेंज ही नहीं है, आपको अपना सब्जेक्ट्स तो पता है ना। हाँ, डू यू नो योर सब्जेक्ट्स, क्या क्या सब्जेक्ट है सीएमए फाइनल में, नाम बताइए थोड़ा सा। आप लोगों को पता है क्या? बहुत लोगों को पता नहीं होता, सेमीफाइनल में आते हो गए सब्जेक्ट का नाम ही नहीं पता, ऐसा भी होता है, मतलब बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है बहुत लोगों के लिए। कॉपी खोलिए और लिखिए पहले। सीएमए फाइनल एससीएम की क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि आप सतीश सर के पास सिर्फ सीएमए फाइनल एससीएम के लिए आए हैं। अगर आप हमारे यहां पहुंच गए हैं तो हमारा मंजिल दोनों का एक ही है, वो है सीएमए डिग्री। हम आपके लिए एससीएम के लिए स्पेसिफिकली काम करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा गोल है कि हम आपको सीएमए डिग्री दिलाएंगे। ये नहीं कि खाली एससीएम में आपका नैया पार लगा देंगे, एससीएम तो हो ही जाएगा, उसका चिंता छोड़ दो, बट आप ओवरऑल हमारे से जुड़े हो। आप आज से ये सोचो, अपना सारा टेंशन सोच लो एक संस्था पे आपने सौंप दिया, दे विल थिंक फॉर यू, दे विल हेल्प यू आउट प्रोएक्टिवली। मतलब अगर आप हमें से जुड़े हुए रहेंगे तो यू विल फील दैट आपसे ज्यादा तो हमें चिंता आपकी, और सिर्फ एससीएम की चिंता नहीं है। इसी तरह से क्लासेस डिजाइन की जाती है कि बच्चे खाली ऐसा ना हो मेरे से एससीएम पढ़ रहे तो एससीएम में पास हो गए और बाकी सब में लटक गए, ठीक है। तो यू शुड बी रेस्ट अश्योर्ड कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पूरा सीएमए के एंगल से पढ़ रहे हैं। जो स्ट्रेटजीज मैं आपको सीएमए फाइनल एससीएम में लगवाऊंगा, आप समझ लेना वो स्ट्रेटजीज आपका हर सब्जेक्ट में लगना चाहिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट में उसी पैटर्न में आपको आगे जाना है। आपको ये सोचने का जरूरत ही नहीं है कि इसमें तो ऐसे पढ़ लेना है, दूसरा में कैसे पढ़ना है, सब में जैसे ये पढ़ रहे वैसे ही पढ़ना है। यहां पे जितनी बातें बताई जाएंगी वो सब इसी सोच से बताई जा रही है कि हमारे स्टूडेंट्स का सीएमए डिग्री कैसे आ जाए, ठीक है। सबसे पहले मैंने ना, जब तक ये बैच स्टार्ट नहीं हुआ, बहुत सारा स्टूडेंट्स से बातचीत करके कुछ पॉइंट्स इकट्ठा किया। पॉइंट्स में अभी भी एक सवाल बच्चों के दिमाग में घूम रहा है कि सीएमए डिग्री का वैल्यू तो है ना, इतना दूर आने के बाद भी, है ना, है कि नहीं ये सवाल आप लोगों का मन में भी? हाँ, कर तो रहे हैं, क्या होता है ना, कोई अगल बगल दिखता नहीं है ना, तुम क्या कर रहा है वो एबीसीडी कर रहा है, तुम क्या कर रहा है वो एक्स वाई जेड कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीएमए कर रहा हूं, तो लग रहा है कि मैं अकेला ही हूं क्या। और ऊपर से इतना जो विवाद सुनने में आ रहा है इधर उधर से, अगर आप ट्विटर व्टर फॉलो कर रहे हैं, है ना, थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप्स में घुसे हुए हैं, तो ये इतना विवाद जो सुनने में आ रहा है उसके कारण ऐसा लगता है कि सच में हम पास तो करेंगे तो कुछ मिलेगा ना बदले में, रिकॉग्निशन तो होगा ना। तो आपको ये पहला मिथ आपका क्लियर कर दूं, इस बात को आज के बाद दिमाग से एकदम निकाल देना। सीएमए आज का डेट में सीए से बेटर करने जा रहा है, सीए से बेटर। हाँ, ये जरूर है कि वो ये सीए जितना पॉपुलर नहीं है, ठीक है। जैसे अगर सीए का ग्रोथ ग्राफ ये हमने एनालिसिस किया पास्ट 6 साल का, सीए के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो ग्रोथ ग्राफ है वो ऐसे आ रहा है, कई साल तक एक स्टैग्नेंट था, अभी नंबर ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ। और सीएमए इंस्टीट्यूट का नंबर्स का ग्रोथ ग्राफ कई साल तक स्टैग्नेंट था, अब बहुत ज्यादा ऐसे जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ग्रोथ ग्राफ। दूसरा, इंडस्ट्री में भी जो स्टूडेंट्स घुस रहे हैं वो भी आप समझिए, बड़े बड़े कंपनीज, पहले एक मिथ था आज से 10 साल पहले कि सिर्फ पीएसयूज ही सीएमए को लेते थे, गवर्नमेंट एंटरप्राइज ही सीएमए को लेते थे, पहले ऐसा मिथ चलता था, ठीक है। लेकिन आज का डेट पे बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां, इवन आईटी कंपनियां, एक्सेंचर आपने सुना होगा, हमारे पुराने स्टूडेंट ही थे वो लोग जिनका एक्सेंचर में पैकेज लगा 17 लाख रुपया का,
इंफोसिस, आईटीसी तो भर भर के लेता है, आईटीसी तो मतलब गुच्छा गुच्छा में उठा लेता है सीएमए को। ऐसे कई सारे कंपनी में हिंदुस्तान यूनिलीवर, हमारे स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। वो जमाना चला गया कि सिर्फ सीए या एमबीए को ही वो लोग लेते थे। पहले एक जमाना था सिर्फ एमबीए को लेते थे, पता है? तब सीए वाले तरसते थे, हमारा तो वैल्यू नहीं है, हमारा तो वैल्यू नहीं है। वो लोग सिर्फ एमबीए प्रेफर करते थे। अब जमाना में थोड़ा सा ट्विक आया, वो लोग अब सीए को भी लेने लगे। अब और एक नया चेंज हम लोग को दिख रहा है, वो है सीएमए को भी लेने लगे। तो एकदम भी दिमाग से निकाल देना कि आपका वैल्यू नहीं है, ये बात सोच में आनी ही नहीं चाहिए। इतना वैल्यू है, इतना वैल्यू है कि अब हमने कई सारे एनालिसिस किए कि फ्यूचर में सीए का जो सिलेबस है और सीएमए का जो सिलेबस है, अगर हम दोनों में कंपटीशन कराए ना, जो समझदार इंसान है, सिलेबस का डीप में जाता है, समझता है, आपको एकदम एकदम पते की बात बता रहा हूं, जो समझदार इंसान है वो ये सोचता है कि सीएमए ज्यादा नॉलेजेबल है। सीए का फ्यूचर सिलेबस और सीएमए का फ्यूचर सिलेबस को अगर हम सामने में रखें ना, तो सीएमए वाला बच्चा का जो क्या बोलेंगे बाउंड्रीज है ना, जिसमें वो सिलेबस पढ़ के आया है, वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा चौड़ा है, मतलब वाइड है। सीए वाला फोकस्ड कुछ ही चीज को देख रहा है, सीएमए वाला ज्यादा चीजों को देख रहा है। तो आप अपना वैल्यू वाइज अपने आप को कम नहीं समझोगे, कभी भी कम नहीं समझोगे। आप समझ लेना, आप एक बहुत एक प्रीमियम डिग्री कर रहे हो। और देखो इस चीज को जान लो, जैसे हीरे की कदर कौन जानता है, अपने बोलते हैं ना ऐसा, हीरे की कदर कौन जानता है, ऐसा सुनते हैं ना, हीरे हीरे का वैल्यू कौन जानता है, ये पत्थर है कि हीरा है कौन जानता है, ज्वेलर जानता है। बट आप वो हीरा अगर कोई बंदर के पास ले जाओगे तो उसको उठा के फेंक देगा, ही डजंट नो द वैल्यू ना। तो वो वैल्यू कौन जानता है, जो ज्वेलर है वही जानता है, राइट? जौहरी जानता है ना हीरे की कीमत। उसी तरह से आपकी वैल्यू वही जानता है जो आप जैसों के आसपास रहता है, ठीक है? जो आप लोगों को रिक्रूट करके काम अपना करवा सकता है, जो देख रहा है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो आप गलत जगह जाकर अपनी वैल्यू को पूछोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे आप अपना छोड़ दो, मैं आपको एक सिंपल बताता हूं, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। अगर मेरा नाम छोड़ दीजिए आप, मेरा पेशा काम क्या है, हाँ, ट्यूशन टीचर हूं। ट्यूशन टीचर का क्या वैल्यू है आज के जमाने में? ट्यूशन टीचर का क्या वैल्यू? अगर मैं कोई बिजनेस मीटिंग्स में चल जाता हूं ना, जहां पर कोई बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स आए हुए हैं, वहां पे अपना ये निकाल के कार्ड दे नहीं सकता, क्योंकि कार्ड में क्या लिखा हुआ, कोचिंग टीचर, ट्यूशन टीचर, उसका क्या वैल्यू है? उनके नजर में हमारा क्या वैल्यू है? अरे उनके बच्चों को पढ़ाने वाला कोई टीचर है। लेकिन हमारी वैल्यू असली कौन जानता है? आप लोग जानते हैं, जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं ना, जो नहीं पढ़ते हैं, जो बस ऐसे जानते हैं कि ऐसा कुछ होता है, उनसे मेरी वैल्यू पूछी जाएगी तो वो लोग क्या बोलेगा? मतलब वो क्या बोले यार, ऐसे ही है, बच्चों को पढ़ाता है, उसमें क्या है, कौन सी इंडस्ट्री चलाता है, कौन सा थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का कोई टर्नओवर करता है। बात सही है, बट वैल्यू कौन जानता है, हमारी वैल्यू कौन जानता है? हमारे घर वाले जानते हैं, या फिर हमसे जो जुड़ते हैं हमारे बच्चे, आप जैसे लोग, वो लोग जानते हैं, अब कोई नहीं जानते ना। तो आप गलत जगह जाके अपना वैल्यू लगाओगे तो वैल्यू ऐसे ही हो लगेगा ना, है ना? तो ये चीज कभी भी दिमाग में न लाना कि हमारा वैल्यू नहीं है। आपका वैल्यू इंटरनेशनल नॉलेज से भी ज्यादा है। मतलब मैं तो सीएमए यूके का भी डिग्री लिया हुआ हूं, जैसे आप सीएमए इंडिया कर रहे हो ना, मैंने यूके का भी सीएमए किया हुआ है, तो मैंने वो भी पढ़ के देखा है, उससे भी ज्यादा अपने पढ़ते हैं, ठीक है? वहां पर सुपरफिशियल नॉलेज है, हाँ थोड़ा सम्स क्वेश्चन का टाइप जो है वो इनफैक्ट ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा केस स्टडी ओरिएंटेड है, वो अलग बात है, बट नॉलेज वाइज आप लोग बहुत आगे हो। मतलब अगर हम सीएमए यूके वाला को बोले चल इंडिया वाला पास करके दिखा, उसका हालत खराब हो जाएगा। इंडिया सीएमए बनने के बाद
कल को आपको यूके का सीएमए का डिग्री लेना हो ना, आपके लिए 6 महीना का काम है, आप कर लोगे, पॉसिबल है। सीएमए यूएसए, अगर यूएसए का बोले ना तो वो तो हम लोग के इंस्टीट्यूट पे हम लोग ने टाई अप किया हुआ है सीएमए यूएसए पढ़ाने के लिए भी, उसमें तो 2 ही पेपर है, 2 पेपर दीजिए सीएमए यूएसए बन जाइए, जस्ट 2 पेपर, और वो 2 पेपर आप 6 महीना में निकाल दोगे, मजाक नहीं कर रहे हैं। तो इट इज रियली वैल्यूएबल कोर्स दैट यू आर स्टडिंग। सो आज के बाद से ये मिथ एकदम खत्म कर दो। आप बोलते हैं हमारे आसपास कोई सीएमए नहीं है, तो मेरे आसपास भी कोई ट्यूशन टीचर नहीं है भाई साहब, दूर दूर तक नहीं है, तो आप क्यों देखने जा रहे हो अपने आसपास सीएमए? आप बोलते हो मेरे घर में कोई सीएमए नहीं है, मेरे भी घर में कोई ट्यूशन टीचर नहीं है, तो आप क्यों ऐसा सोचने जा रहे हो? आप एक यूनिक चीज कर रहे हो इसीलिए आपके आसपास कोई नहीं है। तो सर मैं गाइडेंस कहां से लूं? अब आप तो आ गए ना सही जगह पर, गाइडेंस लेने सही जगह जाना पड़ेगा। तो आप जहां आ गए हो वहां निश्चिंत रहिए। तो ऐसे ही अपने दोस्तों को बताइए कि भाई अपने आप को अंडरमाइंड मत करो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। कल को कोई नहीं पूछने वाला आपसे, जो कई थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन एग्जाम के कारण वो लोग जो सेटल हो रहे हैं, कोशिश कर रहे सेटल करने का, इतना बड़ा वॉल्यूम है, इतना इजी नहीं है सेटल करना, ठीक है। हम लोग एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि सब चीज गूगल के तरह सीमलेस चलना चाहिए, अमेजोन के तरह सीमलेस चलना चाहिए। हम लोग ने प्रॉब्लम्स देखा नहीं है ना ऑनलाइन वर्ल्ड में, बट इंस्टीट्यूट फर्स्ट टाइम इतना बड़ा ट्रांजिशन कर रहा है, उनको प्रॉब्लम्स हो रहा है, अग्रीड है, वो कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं, अग्रीड है, बट आपको पास होना है, सिंपल, आपका गोल यही है, पास होना है। हर्डल्स हैं, कुछ अपने हैं, कुछ बाहर से आ रहे हैं, बट अपने को पास होना है। पास होने के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये सुनना तुम उस समय सीएमए बना था क्या जिस समय इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम चल रहा था? तो पूछेगा आपसे आगे 5 साल बाद, अच्छा तुम वो ऑनलाइन एग्जाम का पास हुआ सीएमए क्या? कोई नहीं पूछने वाला है, तब ये देखने वाला है सीएमए है क्या? हाँ सीएमए है, बस ले लो। पूछेगा आपसे बस ज्यादा से ज्यादा, अच्छा बोलो तो ये वाला का कॉस्टिंग कैसे करें, ये वाला में स्ट्रेटजी कैसे बैठाएं, उसका आंसर पूछा जाएगा। तो आप लोग झूठ मूठ का करंट एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होके अपना कर्तव्य, अपना जो मेन काम है उसको छोड़ रहे हो, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। बाहर के नॉइजेस को हटाओ और अपने अंदर के आवाज को सुनो और फोकस करो, ठीक है। तो सबसे पहले इस सवाल का मैं चाहूंगा आप कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि बार बार आपको फंसाएगा। सीएमए डिग्री का वैल्यू तो है ना, लिखो, बार बार पूछते फिरोगे, हाँ फर्स्ट पेज में ये सब लिखो, मिथ क्लियर करो। तो इसमें लिख देना बहुत वैल्यू है, और ये भी लिख देना हीरे की कदर सिर्फ जौहरी जानता है, सिर्फ जौहरी जानता है। तो सही जगह जाके वैल्यू पूछोगे तो वो जानेगा। आप समझ जाना, किसी से भी पूछ रहे, हर कोई इंप्लॉयर से पूछोगे सर सर सीएमए का क्या वैल्यू है, ठीक है, बोले सीएमए क्या होता है, कोई ऐसे बोलेगा। अरे आपको क्या बताएं, जब हम लोग भी कोई सीनियर इंप्लॉयर से बात करते हैं, हम बोलते हैं ना हम सीए भी पढ़ाते हैं सीएमए भी पढ़ाते हैं, तो हमसे पूछते वो लोग सीएमए कोई करता भी है क्या? हम समझ जाते हैं भाई ये जौहरी नहीं है, गलत आदमी से पूछ रहे हैं ना। डॉक्टर से जाके पूछेंगे सीए का वैल्यू है क्या, बोला सीए कोई करता भी है क्या, वो सीए के लिए बोलता है सर डॉक्टर, सीए कोई करता भी है क्या, वो बोलता है कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई मेडिकल में जाता है, उनको पता ही नहीं कि सीए बोलकर कुछ होता है। तो सही जगह जाके हम लोग अपना वैल्यूएशन कराएंगे तभी वैल्यू होगी, ठीक है। तो आज के बाद कोई भी ऐरे गहरे से वैल्यू पूछना बंद कर दो। जो वैल्यू नहीं जानता है मतलब समझ लेना आप गलत जगह नॉक कर रहे हो, क्वेश्चन खत्म। सेकंड नंबर सवाल आता है सीएमए का फाइनल का क्या क्या सब्जेक्ट्स है। चलिए आपका इसका टेस्ट हो जाए, एकदम सिंपल सा सवाल, सब्जेक्ट का नाम लिख डालिए, सीएमए फाइनल का क्या क्या सब्जेक्ट है। सर ये क्या सवाल है? हाँ जी, तो क्या सवाल है, तो सवाल ही है, जवाब देके दिखा दो, लाइन बाय लाइन पेपर का नाम लिख के बता दो, रैंडम तो कोई भी लिख देगा। सीएमए फाइनल का सब्जेक्ट का क्या क्या नाम है?
हाँ जी, आप भी टाइप करेंगे क्या चैट में? आप भी टाइप करेंगे चैट में लाइन बाय लाइन? लिख दिया, पहला सब्जेक्ट क्या है? जो सब्जेक्ट आप पहला ट्यूशन में ले रहे हैं वो सब्जेक्ट पहला ऐसा नहीं है। तो पहला है लॉ, दूसरा है SFM, ठीक है, तीसरा है DT एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, देन है SCN और इधर है कॉस्ट ऑडिट, फिर है CFR, फिर IDT और लास्ट में इलेक्टिव बोल के लाया है जिसमें तीन ऑप्शन दिया हुआ है ABC। एक दिया हुआ है आपका SPMBB, दूसरा दिया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा दिया हुआ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। नेक्स्ट आता है बात जो आपको जानना है मेरे साथ कि हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो ऐसा कैसे पढ़ें जिससे कि हम एक बार में CMA डिग्री निकाल दें। तो देर आर वेरियस स्ट्रेटजीज जिसमें से एक मैं फर्स्ट डे आपको समझाना चाह रहा हूं कि हाउ टू पास इट इन वन अटेम्प्ट। कुछ ग्राउंड रूल्स है जो पहले दिन से फॉलो करना पड़ता है। बच्चे यहीं पे सबसे ज्यादा डगमगाते हैं, चाहे वो जॉब के साथ CMA कर रहे हो या फिर वो लोग पहली बार CMA कर रहे हो, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में आंसर करना चाहता हूं, हाउ टू पास CMA फाइनल इन वन अटेम्प्ट, एक बार में मैं कैसे निकाल दूं। इसका दो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, इसमें मैं दो स्ट्रेटेजी आपको समझाना चाह रहा हूं। इसका डिटेल कभी मैं आपसे अलग से बात करूंगा, बट एक ओवरव्यू से आप जान लीजिए। एक है TSMS और दूसरा है TTRS। TSMS और TTRS, एक है TSMS और दूसरा है TTRS। सो व्हाट इज TSMS? TSMS इज टाइम सब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। टाइम सब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप जब CMA फाइनल में आते हो तो इस तरह से अपना पहला बार का पढ़ाई, जो ट्यूशन लेके करो तो ट्यूशन लेके, नहीं तो अपने से करो, बट इस तरह से करो कि आपका सारा का सारा कोर्स, अगर आपका ये एग्जाम टर्म है तो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, एक ग्रुप सोचिए, वन ग्रुप दे रहे हैं, कोई भी एक ग्रुप, तो 3 महीना पहले खत्म होना चाहिए। और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो फिर 6 महीना पहले खत्म होना चाहिए। 80% बच्चा यहीं पे फेल है, इसी गोल को अचीव करने में फेल है। पता है आपको, दिसंबर में एग्जाम है, नवंबर तक बड़ा क्लासेस ही चला रहा है और बोल रहा है नहीं नहीं मेरा तो है ना एज हो गया, मेरा तो लेट हो गया, ऐसा ऐसा बात है, मेरा लेट हो गया, मैं टर्म स्किप नहीं करूंगा। ट्यूशन ही खत्म नहीं हुआ है,
दिसंबर में एग्जाम देना ही देना है, मतलब एग्जाम तो देगा ही देगा, मेरा मम्मी बोला है, मेरा पापा बोला है, एज हो गया, वॉर लेट नहीं कर सकते, एग्जाम तो मैं दूंगा ही दूंगा और फेल होऊंगा ही होऊंगा, ये नहीं उसके बाद का नहीं बोलता, और फेल होऊंगा ही होऊंगा, मैं एग्जाम तो दूंगा ही दूंगा, यहां तक बोल के रुक जाता है, फिर मैं अंदर मैं बोल रहा होता हूं हाँ फिर फेल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड रूल्स है वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये हमारा बताया हुआ भी है स्टूडेंट्स को बहुत बार, और आपको पता है रिजल्ट आता है तो हम बहुत सारे बच्चों से इंटरव्यू करते रहते हैं, बात करते रहते, तुम कैसे किया, क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया, जो बच्चों एक बार में निकाले ना उनका सब में ये कॉमन चीज मिला है। एक्सेप्शन अलग है, कुछ कुछ बच्चे एक्सेप्शन होते हैं, नसीब से निकल गया अलग बात है, हम उनको काउंट नहीं करते हैं, जो बच्चे मेहनत से पास होते हैं उनके लिए ग्राउंड रूल लागू होता है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, फर्स्ट चैलेंज, आप लोग अपना टर्म प्लानिंग ही नहीं करते, आप बोलते हो बस मेरा इंटर ऐसे पास हुआ, फाइनल यहां पे ड्यू हो रहा है, हम तो देगा, उसके बाद अंदर से मैं बोलता हूं फिर फेल होगा। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं सोच रहे हो कि कितना पढ़ना है और वो कब तक खत्म होगा। मेरे पास मैसेज आया परसों, ठीक है सर, मैं दिसंबर में एक ग्रुप दो कि दो ग्रुप, समझ लो बस इतना ही, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। दो दिन बाद फिर आया उसी को रिप्लाई करके क्वेश्चन मार्क, कि हम रिप्लाई नहीं किया उसका, तो मैं उसको रिप्लाई किया क्या पता है, अच्छा बताओ मैं रात को चावल खाऊं कि रोटी, तो उसका हंसने वाला स्माइल लिया है, मेरा भी हंसने वाला स्माइल लिया, समझ गए बच्चे लोग का सवाल सोचो, वो ये सोच रहा है बस कि दिसंबर आ रहा है तो मैं एक ग्रुप दे दूं क्या। अरे तुम कैसे सोच रहे हो, कोर्स खत्म होगा तो ना तुम रेडी होगो, ये तुम यहां पे तो जा ही नहीं रहे, ये पॉइंट तो आ ही नहीं रहे, ये मुझे बताओ कि तुम्हारा कोर्स कब खत्म होगा। तुम्हारा कोर्स खत्म होने का कोई ठिकाना नहीं है, दिसंबर में एक ग्रुप दो की दो ग्रुप, तो पहले बेसिक को क्लियर करो फिर सब्जेक्ट पे आओ, ओवरऑल पहले समझो। आप लोग भी सामने बैठे हो, इस चीज को एकदम लिख लीजिए और जाके घर पे आज ही प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे मैं अपना कोर्स को जो भी टर्म में मैं एग्जाम देना चाह रहा हूं 3 महीना पहले या 6 महीना पहले खत्म कर पाऊंगा क्या। सर इतना तो मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने सोचा कि 3 महीना पहले दोनों ग्रुप हो जाएगा तो भी मैं 3 महीना में निकाल दूंगा। देखो उस केस में एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा जो है, जो बचपन से बहुत शार्प ब्रेन रहा हुआ है और जो 15-16 घंटा लगातार पढ़ सकता है, वो 3 महीना में भी निकाल सकता है। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, अपने आप को क्या मानना चाहिए, थोड़ा सा एवरेज मानना चाहिए ना, कंजर्वेटिव मानेंगे ना अपने आप को, तो कंजर्वेटिव मानेंगे तो 6 महीना चाहिए, क्योंकि 6 महीना में कई दिन तो बुखार हो जाएगा, कई दिन तो घर का कोई इश्यू आ जाएगा, ठीक है कई दिन पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा, तो 6 महीना लेके चलना पड़ेगा। सेकेंड प्लान आता है द 3-tier रिविजन सिस्टम, इसका नाम है 3-tier रिविजन सिस्टम। ये सब सिस्टम धीरे धीरे आपको समझा दिया जाएगा जब आप क्लासेस करने लगोगे, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, विच सेज दैट यू हैव टू रिवाइज। यहां पे मान लीजिए ये स्टडी कंप्लीट हो गया, स्टडी कंप्लीट, और यहां से जो ये गैप मिला ना 3 महीना या 6 महीना वाला, उस 3 से 6 महीना में आपको अपना कोर्स 3 बार रिवाइज करना है, T1, T2, T3, Tier 1, Tier 2, Tier 3, 3 बार रिवाइज करना है। हर रिवीजन का अपना एक तरीका होता है, गोल होता है, नहीं तो आप दुनिया जहां का कोई बेस्ट टीचर से भी पढ़ लीजिए, आपका कोई पार नहीं लगने वाला है। बच्चे क्या सोचते हैं, क्लास ले लिया यार आप तो मैं CMA बन जाऊंगा, है ना, आज आपका एक्सपेक्टेशन शायद यही रहा होगा, चल SCM का क्लास लिया इस सब्जेक्ट का तो कल्याण हो गया, है ना, अब क्लास ले लिया और क्या करूं, उससे ज्यादा क्या करूं। बट बेटा क्लास इज द स्टेप वन, पहला चीज क्लास ले लिया, अब दूसरा चीज है क्लास को खत्म करना है, इतना समय बचाकर खत्म करने के बाद आपको 3 बार रिवीजन करना है। उस 3 रिवीजन का अपना अपना गोल होता है। पहला रिवीजन का गोल होता है कि आपको हर चैप्टर का अपना एरियल व्यू नोट्स बनाना है,
दूसरा रिवीजन का गोल होता है कि आपको कम से कम 4 पास्ट पेपर सॉल्व करने, 4 बार मॉक टेस्ट देना है, 4 मिनिमम 4 मॉक टेस्ट जो भी इंस्टीट्यूट के साइड से आया होगा, ठीक है। तो और तीसरा रिवीजन का गोल होता है कि अपने आप को एक बार मैदान जंग में उतार कर ये सोचना है, जैसे एग्जाम के पहले दिन अगर आप एक एक ग्रुप दे रहे हैं तो 1.5 दिन का टाइम है, और दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हैं तो आधा दिन का ही टाइम है ना, आधा दिन में तो रिवाइज करना है, तो वो ट्रायल रन करना पड़ता है उसका, ट्रायल रन ऑफ डे बिफोर एग्जाम, चाहे 1.5 दिन में एग्जाम देंगे या फिर हम आधा दिन में पढ़ पढ़ के एग्जाम देंगे, तो उस दिन पढ़ा ही नहीं जाएगा आपसे कि कैसे पढ़ना है, उसका स्ट्रेटजी बनेगा ही नहीं, पता चला घर आके सो गए और फिर पूरा रिवीजन ही नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ तो अगला दिन कुछ लिख नहीं पाए। तो आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कि दीज आर द स्टेप्स दैट आई हैव टू फॉलो, एंड आई एम टेलिंग यू अगेन कि यहां पे मैंने कोई भी बात ऐसी कही नहीं है जो सिर्फ SCM के लिए लागू है। हमारा जिम्मेदारी है कि आप हमसे SCM पढ़ रहे हो, CMA नहीं बने तो हमारा क्या वैल्यू है, SCM में पास, CMA में फेल, तो फिर तो आपका भी आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, हम भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे कि हमारा पढ़ा हुआ बच्चा पास ही नहीं हो पा रहा है, SCM में पास हो गया बट बाकी सब में लटक गया, क्या मतलब। तो आपको जो मैं बता रहा हूं वो ये सोच के बता रहा हूं कि भाई आपका डिग्री आएगा तो मेरा वैल्यू है, SCM में अगर कम नंबर भी आ गया बट डिग्री आ गया तो मेरा वैल्यू है, SCM में तुम 100 में 100 ले आओ और फेल हो जाओ उससे मेरा वैल्यू नहीं है। तो आपको ये समझना है कि मेरा अगर CMA फाइनल है ना, उसमें 8 व्हील लगा हुआ, 8 व्हील, 8 व्हील का ये गाड़ी है, तो 8 चक्का इसी तरीके से घूमेगा, 1 चक्का ढंग से घुमा दिया, 7 नहीं घुमा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑल 8 सब्जेक्ट्स के लिए यही सिस्टम लागू है। तो आज आपका पहला टास्क ये है, जो आप मेरे से सामने में साथ पढ़ रहे हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा फायदा है, अगर आप आके मेरे सामने पढ़ रहे हो तो आपके पीछे तो मैं पढ़ा रहूंगा, आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जो ऑनलाइन में है वो तो बचे हुए हैं, चलो ठीक है सर तो उनके पीछे नहीं आ रहे हैं। तो अब आपका आज का पहला काम ये है कि आप घर जाएंगे, मंथ ऑन मंथ का पूरा स्टडी प्लान मुझे बना के दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपना ये गोल को अचीव करने के लिए अपना डेली कितना आवर्स का क्लास करेंगे। इससे बैक कैलकुलेशन करके पता करना पड़ेगा कि कितना आवर्स पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ये बैक कैलकुलेशन आपको अपना बुद्धि से करना है, इसमें जो हेल्प चाहिए आप मेरे से लीजिए, बट मेन है आपको ये पता करना है आवर्स पर डे क्या होगा, स्टडी आवर्स पर डे। आप 2 घंटा पढ़ गए होगा कि 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, अपना टर्म को यहां फिक्स करो, 3 महीना उसमें माइनस कर दो, ठीक है। अगर 1 ग्रुप देना है तो 2 ग्रुप देना है तो 6 महीना माइनस कर दो, और उसके बाद जितना समय आज से वहां तक बचा हुआ है उसमें पता लगाओ कि कौन सा सब्जेक्ट में, सब ऑनलाइन वेबसाइट्स पे पता चल जाएगा कि कितना कितना आवर्स लगता है, उसको जोड़ लीजिए, नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे तो आवर्स पर डे आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे आई होप, बहुत हाईफाई बात तो नहीं है, बढ़िया आपको अपना एस्टिमेट करना है, ठीक है। आज ये नोट कर लो, इसका टास्क आप आज करके मुझे कल अगले क्लास में दिखाओगे जरूर, ठीक है। फिर इसमें भी डिवीजन होता है, प्लानिंग होती है, वो सब हम आपको बाद में कभी करवा देंगे, बट आपको अपना फ्रेमवर्क पहले जचा के रखना है कि मुझे हर सब्जेक्ट का इसी तरह से तैयारी करना है, इस स्पीड से मुझे क्लासेस करनी है कि मेरा सारा का सारा सब्जेक्ट इतना टाइम के पहले खत्म हो जाए, ठीक है। लिख लीजिए, पूरा लिख लिया आपने, हाँ ये पूरा बना लिया ना, चलिए गुड, ओके। सो ये 3 मुझे लगता है मुद्दे की बात थी, ओके। और भी बातें होती रहेंगी, टाइमली हम लोग करते रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम आज आपके साथ अपना SCM सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा भूमिका बनाएंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, अब एक नया पेज में आप आ जाओ, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। रुको एक चीज और बता देते हैं, कॉपी जब बना रहे हो ना, रुको, कॉपी जब बना रहे हो, आज नया कॉपी का शुभारंभ किया आप एकदम, ओके
तो कॉपी में इंडेक्स के लिए कम से कम 10 पेज छोड़ देंगे। कितना पेज? 10 पेज आगे का छोड़ दीजिए, स्टार्टिंग में जो लिख लिया लिख लिया, इंडेक्स के लिए 10 पेज छोड़ दीजिए। सर इतना तो इंडेक्स तो कोई नहीं होता है, हम आपका एक डिटेल्ड इंडेक्स बनवाएंगे, ऐसा इंडेक्स जो आपने पहले कभी बनाया नहीं है, बट ये इंडेक्स आपको आज के हिसाब से सोच के नहीं बनाना है, जो बता रहा हूं वो ऐसा सोच के बनाना है कि डे बिफोर एग्जाम मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, ठीक है? एंड रिजल्ट सोच के इनपुट होगा, समझ रहे हो? इसलिए 10 पेज इंडेक्स के लिए छोड़ दीजिए, लीव 10 पेजेस, इंडेक्स का इंडेक्स में काम आएगा वो एक दो पेज में इंडेक्स हमारा बनेगा नहीं, वो बनता है, वो पुराना जमाना का इंडेक्स था, आप लोगों को जैसा बनाने बोलूंगा वैसा आप बनाएंगे, ठीक है? और कॉपी में हर पेज में पेज नंबरिंग होना चाहिए, और पेज नंबरिंग जैसा काम के लिए आप मत बैठिएगा, अगर घर में कोई है, मम्मी है, पापा है, भाई है, जो भी है, ठीक है, जैसा भी उनको बहलाना हो फुसलाना हो उनको दे दीजिएगा, मेरा इस कॉपी में हर पेज में नंबरिंग कर दो, ठीक, जिससे भी हो सके करवा लीजिएगा। और एकदम ही खाली बैठे हुए कि टीवी देख रहे थे या कुछ काम ही नहीं था तब अपने से नंबरिंग कर दीजिएगा, बट अभी राइट नाउ पेज नंबरिंग करके आ जाइए, जितना दूर तक अभी तक आए उसमें पेज नंबरिंग कर लीजिए, कॉपी में पेज नंबरिंग कर दीजिए ऊपर में, ऑल्टरनेट कर दीजिए, 1 3 शुरू से करिए, जहां 10 पेज छोड़ा है वहां से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्टार्टिंग से बस पेज नंबरिंग कर दीजिए कॉपी में। सर ये सब क्या है सर, असली चीज पे आ जाइए ना भाई, असली चीज पे ही तो आ रहा है, यही तो असली चीज है, क्या बोल रहे हैं आप, असली चीज ये है स्ट्रक्चर होके काम करना है ना। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं ना, बस ज्ञान 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 के चक्कर में इतना ज्ञान ले लेते हैं कि वो ज्ञान को वापस देखने का शक्ति नहीं रहता। तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे कि हम अपने ज्ञान को फट से कभी भी रिविजिट भी कर पाए। कॉपी इज बेसिकली ज्ञान बुक, उस ज्ञान बुक में इतना ज्ञान नहीं ज्ञान भरेगा कि उसको देखने का मन नहीं करेगा आपका, इसलिए जो जो चीज काम का है उसको देख पाने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और वो है प्रॉपर डिटेल्ड इंडेक्सेशन। अभी मैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं, पहले ऐसे जनरल आपका मन का जो भ्रम था वो तोड़ा, ठीक है, अब सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं क्योंकि आप ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हैं, हालांकि आप कॉस्ट वर्ड जानते हैं, है ना, इंटर में पढ़े हैं, तो ये वर्ड स्ट्रेटेजिक लगाने से इसमें क्या परिवर्तन आ गया। तो मैं अगर जेनेसिस समझाऊं कि कॉस्ट वर्ड आप सबसे पहले पढ़े थे अपना ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग बोलकर, याद आ रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग इंटर में ग्रुप 1 में पढ़े थे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू अराइव एट सम मीनिंगफुल कंक्लूजन। इट्स अ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मीन्स एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। कॉस्ट मीन्स द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड इन अ प्रोडक्ट और सर्विस। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स अ साइंटिफिक सिस्टम of doing costing so that you can refer to it later, you can compare it with others within your group or outside the group if information is available. तो ये cost accounting का खूबी है जो आप लोग इंटर में ग्रुप 1 में पढ़ा है, प्रोसेस अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, याद करो एक कायदा था ना, सिस्टम था ना, कि जैसे तैसे रफ में खाली कॉस्ट को जोड़ने का था, एक सिस्टम से करते थे ना, कभी जर्नल पास करते थे, कभी लेजर बनाते थे, कॉस्ट शीट में कुछ आइटम वही लिखना था जहां पे लिखने का सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट वाज इन ग्रुप 1। सेकंड आपने पढ़ा कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट आपने ग्रुप 2 में पढ़ा। ग्रुप 2 में क्या था? वो कॉस्ट मैनेजमेंट था। ग्रुप 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग और ग्रुप 2 में क्या फर्क हो गया? व्हाट वाज द डिफरेंस? कॉस्ट मैनेजमेंट जब हम लोग पढ़ने लगे तो यहां पे बातें होने लगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग तो हो चुका है, उससे जो एंड रिजल्ट आ रहा है उस एंड रिजल्ट का
मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन क्या निकाले जिससे कि हम भविष्य को और बेटर कर सके। फोकस चला गया कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर, फोकस चला गया डिसीजन मेकिंग के ऊपर। कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या सीखा आपने? अगर आपको याद होगा तो आपने मार्जिनल कॉस्टिंग सीखा था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीखा था, बजटरी कंट्रोल सीखा था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल क्या सिखाता है? वो सिखाता है कि किस तरह से हम कॉस्ट को कंट्रोल करें, हमारा क्या होना चाहिए था और एक्चुअल में फिर क्या हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता है बस कॉस्ट को जोड़ लो, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट भी हो सकता है, वो एक्चुअल कॉस्ट भी हो सकता है। बट कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता है एस्टिमेटेड अलग, एक्चुअल अलग, दोनों का डिफरेंस अलग। फिर डिफरेंस क्यों आया, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, राइट? और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग नया तरीके का भी सीखा। मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग करे तो उसमें लर्निंग कर्व सीखा कि अगर उसका इफेक्ट अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में घुस गया तो इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे होता है, वो याद आ रहा है? ये सब सेकेंड पार्ट में था। अब थर्ड पार्ट एक नया घुस गया, आज से एक नया लेवल पे घुस रहे हैं, जिसका क्या नाम है? अब देखो, नाम कनेक्ट करो, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो क्या आने वाला आप समझ जाओ। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग वो हम मान लेंगे आपका खून में है, यू नो इट, उस पर कुछ बात नहीं करनी आपसे। कॉस्ट मैनेजमेंट भी आपको आता है ये भी अज्यूम कर लेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स उसका कुछ यहां पे रिफ्लेक्शन होगा तो हम उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, बट अज्यूम करा जाएगा कि ये दोनों आपको आता है। उसके साथ एक नया चीज जोड़ दिया, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के साथ स्ट्रेटेजिक वर्ड जोड़ दिया। स्ट्रेटेजिक वर्ड का मतलब क्या पता है? कि हम कुछ ऐसा कंक्लूजन निकाल पाए जो हमें लंबे समय तक फायदा देगा, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म तक। स्ट्रेटेजिक वर्ड जब भी जुड़ गया मतलब लॉन्ग टर्म की बातें हो रही है, ऐसा नहीं कि अभी अभी क्या करना है। हाँ, लॉन्ग टर्म की बातें हो रही है तो ये समझ जाना, जब व्हेन यू आर थिंकिंग फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट दैट यू आर नॉट थिंकिंग फॉर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इंक्लूड शॉर्ट टर्म ना, आज से ही तो भविष्य में जाओगे। यू कैन नॉट डिलीट योर प्रेजेंट और नियर फ्यूचर फॉर अ फार फ्यूचर, है ना? दो साल बाद का सोच रहे हो तो आने वाला महीना उसमें तो इंक्लूडेड है। तो दिस इज बेसिकली अ टर्म दैट वी आर यूजिंग फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कि हम आज जो भी कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए फैसला ले रहे हैं, ठीक है, अगर आपको हमने बोला देखो भाई साहब ऐसा है मटेरियल प्राइस वेरियंस आपने पढ़ा है ना, अरे हाँ ना, तो खाली मुंह हिला दे ऐसे, हाँ पढ़ा है ना, उसमें एडवर्स वेरिएंस आ गया, ठीक है, ऐसी आपसे बात कर रहे हैं, एडवर्स वेरिएंस आ गया, तो ये अच्छा है कि बुरा है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स आ गया, सोचो अच्छा है कि बुरा है? एडवर्स, एडवर्स मतलब नुकसान, तो बुरा ही है। तो हम लोग किसको बुलाएंगे? परचेस मैनेजर को बुलाएंगे, ये क्या किया, एडवर्स वेरियंस लाया, नुकसान कर दिया हमारा कंपनी में, ठीक है, वो कुछ बोले उसके पहले उसको फायर कर दिए, जाओ निकल जाओ यहां से, नुकसान करना है कंपनी में, हट जाओ, कौन भरेगा ये रुपया, ज्यादा रुपया देकर आ गया, तुम्हारा डैश का कंपनी है ये, कुछ भी बोल सकता है अंडरस्टैंड हम उसको, हमारा कंपनी है तो। अब वो चला गया, उसका अंजाम क्या होगा? दूसरा एम्प्लॉय डर जाएगा, नया एम्प्लॉय आने से घबराएगा। तो आज जो आप फैसला लेंगे उसका भविष्य पे क्या अंजाम हो सकता है, ऐसा सोच को जगा रहा है ये सब्जेक्ट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। कि आज जो सोच रहे हैं ठीक है, नियर फ्यूचर में जो भी फैसला ले रहे हो, बट उसका अंजाम भविष्य पे क्या पड़ जाएगा, उतना दूर का सोचना आया क्या आपको? दिस इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। दूसरा, ये भी कहता है कि हर एक चीज का फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखो। हर एक चीज का फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखो, कम से कम सामने वाले को आवाज उठाने दो भाई साहब, उसको बोलने तो दो, क्या बोलेगा वो बोल सकता है कि
सर थोड़ा अच्छा क्वालिटी का मटेरियल लाया था ना, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा क्वालिटी का क्यों लाया, घटिया क्वालिटी का लाने बोला था ना। अरे ये तो आदमी क्या सोचेगा अंदर में, क्या आदमी है यार हमारा बॉस है कि क्या है? ये सोच रहा है घटिया क्वालिटी का लाना था, तो घटिया क्वालिटी का अगर हम मटेरियल लाते तो घटिया क्वालिटी का फिनिश गुड्स बनेगा, और घटिया क्वालिटी का फिनिश गुड्स बाजार में बेचोगे तो क्या गुडविल बनाओगे आप अपना, कॉम्पिटिशन में क्या जीतोगे? तो आपके डिसीजन का इंपैक्ट आपके गुडविल पे क्या पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स एडवांटेज आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब सोचने का तरीका जगाता है हमारा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। एक ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है, जो पुराना पढ़े ना ये ट्रेडिशनल है, इसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं, पुराने जमाने से जैसे लोग सोच रहे हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजिक है, स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है, ये नए जमाने का, ये यू कैन से ये मॉडर्न थिंकिंग है। मॉडर्न थिंकिंग और ट्रेडिशनल थिंकिंग में फर्क आ रहा है। फर्क क्या आ रहा है, मैं आपको जो समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि एक फैसले का भविष्य पे क्या अंजाम। अब सोचो आप लोग वो पढ़े हो ना ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चैप्टर पढ़े हैं, थोड़ा मुंह हिला दिए हैं, पढ़े हैं हाँ। उसमें एक सम होता था याद है, फर्दर प्रोसेसिंग करें कि नहीं करें, ध्यान आ रहा है नहीं याद आ रहा है? फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा कैलकुलेशन करते थे, कैसे सोचते थे, अगर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा है तो मत करो, सिंपल था ना। ये ट्रेडिशनल थिंकिंग है, फायदा हो रहा है तो करो, नुकसान हो रहा है तो मत करो। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या बोलता है, वो बोलता है अगर हम उसको प्रोडक्शन करते थे बेचते थे तो कुछ ग्राहक आता था, कुछ ग्राहक तो आता ही था, हाँ भले ही उसमें मान लीजिए उतना फायदा नहीं होता था इसलिए आपने बोला बंद कर दो। लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बोलता है कि अगर नुकसान भी हो रहा है तो ठीक है, ग्राहक तो आता था, अगर आप वो प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना बंद कर देंगे तो उसका जो ग्राहक था कस्टमर था वो कहीं और चला जाएगा, उसको तो जरूरत है, भले आपके पास कम आता था आपको लॉस होता था बट वो ग्राहक कहीं और चला जाएगा तो क्या होगा, कॉम्पिटिटर का मार्केट बढ़ जाएगा। अच्छा फर्दर प्रोसेस करने के लिए जो इंप्लॉई था वो जॉबलेस हो जाएगा, वो इंप्लॉई कहां जाएगा, किसी कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर लिया तो वो तो आपका वाट लगा देगा। इस तरह का थिंकिंग पुराना कॉस्टिंग में नहीं था, हम लोग इंटर में ऐसा बात किए कभी आपके साथ नहीं किए, उस समय आपको बोले बेटा छोड़ना काहे दिमाग लगा रहा है कैलकुलेशन करना, बट अब बोल रहे वो दिमाग लगाओ इसका अंजाम क्या हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक सब्जेक्ट ऐसा है, इंस्टीट्यूट इतना डीप में क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा है, तो ये अनफॉर्चुनेटली बोले कि फॉर्चुनेटली बोले ये हम नहीं जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। ये क्वेश्चन ऐसा हम लोग देखते हैं ज्यादातर वो सीएमए यूके वाला जो डिग्री है ना उसमें इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा, आपके केस में अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट हम ये जानते हैं कि आपका सिलेबस बोलता है इतना ज्ञान लेके रखो, कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए, हम पूछ भी सकते नहीं भी पूछ सकते, एग्जाम में आता नहीं है उतना, लेकिन नॉलेज वाइज आपको इस एंगल से अपने चैप्टर को सीखना है कि एक फैसले का दूर तक अंजाम क्या हो सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, वोडाफोन कंपनी है, वो सोच रहा है मेरा कॉस्ट कटिंग कैसे हो, ठीक है, तो उसने एनालिसिस किया कि हम लोग झोंक झोंक में आके ना बहुत ज्यादा अपना आउटलेट खोल दिए, वोडाफोन आउटलेट यहां वहां यहां वहां इतना ज्यादा खोल दिए कि सब जगह फुटफॉल उतना आता ही नहीं। अब ऐसा चीज आप बैंक के केस में भी सोच सकते हो, इधर उधर जहां तक ब्रांच खोल देता हो तो फुटफॉल आता नहीं, आदमी आता नहीं, ग्राहक है नहीं वहां पर, ठीक है। तो रैंडमली कंपनी डिसाइड किया कि काम करते हैं कॉस्ट कटिंग करना है, तो 20% जितना जितना आज हमारा है 20% बंद कर दो। मान लो अगर हमारा 1000 ब्रांच है 1000 आउटलेट है तो 200 आउटलेट बंद कर दो, ठीक, कितना कॉस्ट बचेगा उसका एक कैलकुलेशन आपसे कॉस्ट मैनेजमेंट का साइंस जब सिखा रहे हैं तो करवा लिया, देखो इतना सेविंग्स होगा आउटलेट बंद करने से। अब बोलेंगे ओके
बट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है भाई, यहां से मत सोच, यहां से भी सोच। ये बोलता है दिल से सोच, थोड़ा और सोच क्या हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत सारा चीज ऐसा है जिसका नाप तोल पैसा से नहीं हो सकता। ऐसा क्या हो जाएगा, देखो जिस लोकेलिटी से तुम आउटलेट बंद करोगे उस लोकेलिटी का लोग अगर तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदता है या तुम्हारे से सर्विस लेने आता है, इंक्वायरी करने आता है, तो कहां जाएगा? अरे वहां से उतना तो नहीं आ रहा है ना जितना हमारा खर्चा लग रहा है। बोले ठीक है, वो एस्पेक्ट को छोड़ो, बट वो आदमी जाएगा कहां? अगर आपका लॉयल कस्टमर है तो उसको दूर जाना पड़ेगा। उतना दूर जाएगा तो वो हैरेस होगा, वो डिससेटिस्फाई होने लगेगा, आपका गुडविल खराब करेगा। अब दूसरा लोकेलिटी का लोग भी अगर एक आसपास जहां पे भी उसको जाना वहां जाएगा तो वहां पे लोड बढ़ जाएगा, तो वहां का एम्प्लॉई दुखी हो जाएगा, बाप रे बाप, जब ज्वाइन किए थे तब इतना काम नहीं था, अभी तो बहुत काम आ गया है, चलो ये कंपनी छोड़ो। आदमी को तो काम करने से तो जी चुराना ही है ना, उतना काम करने के लिए थोड़ी ना वो बैठा हुआ है, उसको तो सैलरी चाहिए, तो डिससेटिस्फाई हो जाएगा, इतना काम कौन करेगा भाई। ठीक है, और जैसे ही तुम यहां से समेटोगे कॉम्पिटिटर्स मूव क्या होगा पता चलेगा, एयरटेल वहां पे अपना ब्रांच खोल दिया है, तो वो फट से आपका डाइवर्ट कर लेगा कस्टमर को, और वो कस्टमर जो आज आपको दिख रहा है ज्यादा बेनिफिट नहीं दे रहे हैं बट लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे सकते हैं, आप उसके ऊपर नहीं जा रहे हो। ये है बच्चू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या समझे, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट? मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, एक वोडाफोन का सेंटर का एग्जांपल दिया, फर्दर प्रोसेस करे कि ना करे उसका एग्जांपल दिया, तीसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स हो गया तो उसका एग्जांपल दिया। तो एक नया तरह का थिंकिंग आपके दिमाग में आया होगा, हाँ ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं यार, समझ गए। अब इसमें बात है कि ये जो सोच है इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग वे ऑफ कंक्लूजन हो सकता है। देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा एरोगेंट है, उसका टॉप मैनेजर बोलता है हाँ हो चला जाएगा देखा जाएगा, उतना कोई भूख नहीं हम लोग को, देखा जाए तो लोग ऐसे डिसीजन ले लेगा, इसमें आप उनको बोल नहीं सकते यही करना होगा। जापान में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ, जापान का रेलवेज बहुत वर्ल्ड का एक बेस्ट रेलवेज में आता है, बहुत फेमस, मतलब आप कभी जापान जाए ना, कभी मौका लगे जीवन में ठीक है, तो वहां का ट्रेन में जरूर घूम के आइएगा। अब जैसे आगरा जाते तो बोलते पेठा खा के आइएगा, वृंदावन जाते तो पेड़ा खा के आइएगा, कलकत्ता आते तो रसगुल्ला खाइएगा, है ना, हर जगह का अलग अलग कुछ है ना। तो जापान में ट्रेन बहुत फेमस है, मतलब एकदम डिट्टो टाइम पे आता, मतलब 9:01 माने 9:01, जितना देर में छूटना उतना देर में छूटेगा, मतलब यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन द ट्रेन, मतलब इट्स नेवर एवर लेट। पीपल वहां पे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, टैक्सी बहुत महंगा है, मतलब समझ लीजिए यहां से आप अगर टॉलीगंज जितना दूर जाएंगे ना, जापान में अगर उतना दूर जाना पड़ेगा तो जापानीज करेंसी के हिसाब से 5,000 रुपया लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप ट्रेन से जाइएगा तो 25-30 रुपये में काम हो जाएगा, तो दैट काइंड ऑफ एक्सपेंसिव इट इज। तो ये ऐसा गवर्नमेंट ने वहां पे क्यों किया हुआ है, वो चाहता है पॉल्यूशन फ्री रहे कंट्री। तो जापान में वो लोग सर्वे कर रहे थे गवर्नमेंट से कि कैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइज किया जाए ट्रेन का, ट्रेन सर्विस जो चल रही है ना उसका ऑप्टिमाइजेशन करना। ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, पानी पी ले, आंख बंद नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कौन सा रूट में फालतू का ट्रेन चल रहा है, ऑक्यूपेंसी नहीं हो रहा है ना। जैसे आप लोग सर्विस कॉस्टिंग में पढ़े हैं ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं, तो याद आ रहा है बस में सीखे आप, ट्रेन का नहीं सीखे, उतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं सिखाया गया। वो लोग स्टडी कर रहे थे कौन सा रूट में खर्चा लग रहा है बट ग्राहक नहीं आ रहा, तो स्टडी किया और पता चला एक रूट ऐसा है जिसमें पूरा स्टार्ट से एंड में सिर्फ एक पैसेंजर एक लड़की चढ़ती है और वही उससे आती है और वही उससे जाती है,
और उसमें बाकी कोई पैसेंजर चढ़ता ही नहीं है। अगर ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट होता ना तो क्या करते पता है, रूट बंद। हमारा बंगाल गवर्नमेंट होता तो रूट बंद। तो जापानीज गवर्नमेंट और ग्रास रूट में जाके स्टडी किया कि ऐसा क्यों, तो पता लगा उस गांव में एक लड़की है जो अपना पढ़ाई करने के लिए उस ट्रेन को यूज करती है, कॉलेज जाती है और कॉलेज से वापस आती है, और बाकी उस रूट पे कोई नहीं आता जाता। अगर वो रूट बंद कर दिया जाएगा तो उस बच्ची का पढ़ाई रुक जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, हमारा मोटो पब्लिक वेलफेयर है, हमारा मोटो पैसा कमाना नहीं है। एक बच्ची पढ़ लेगी तो वो इतना अपने लाइफ में कमा लेगी, उसके कारण कितना विलेज में लोग पढ़ने लगेगा, उसको देखा देखी इंस्पिरेशन में लगा तो उस विलेज में और भी लोग पढ़ने का कोशिश करेगा। जैसे आप पढ़ के सीएमए बन जाओगे, आप अगर एक सीएमए परिवार में निकलता है ना तो कितना लोग को इंस्पायर करता है आस पड़ोस में, आपको पता ही नहीं होगा। आपका रिजल्ट से आपको फायदा होगा वो अलग, आपका आसपास में सर्कल में, आपका रिलेटिव में, आपका नेबरहुड में, आपका ऑफिस में, जो आपको जान रहा है उन लोग को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। तो उस गवर्नमेंट ने बैठ के कैलकुलेशन लगाया कि एक बच्ची का पढ़ाई कंप्लीट करने से गांव में कितना लोग पढ़ेगा, और एक बच्ची कमाएगी इतना साल तो गांव में कितना लोग कितना कमा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में हमारा जो कॉस्ट है वो कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन करके डिसीजन लिया कि जब तक इस बच्ची का पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगा इस ट्रेन को जारी रखा जाएगा। ये जो थिंकिंग है ये कॉस्ट मैनेजमेंट में नहीं है बेटा, ये थिंकिंग स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह, आप लोग बाकी सब्जेक्ट जो पढ़ते हो ना, वो पढ़ते हो लॉ, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें क्या चक्कर है कि जो लिखा है वो कानून है। कानून माने क्या होता है, ये ही करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में कोई कानून नहीं पढ़ रहे हैं, ये थॉट है, सोच है, जो आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। पुरानी कंपनियों में पुराना ख्यालात दिखेगा, नई कंपनियों में नया ख्यालात दिखेगा। बहुत सारी नई कंपनी पुराने लोग चला रहे, पुराने ख्यालात से चल रहे हैं, तो उसमें भी नहीं दिखेगा। तो आप रियल वर्ल्ड में जब जाओगे तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जैसा आप पढ़ रहे हो हूबहू नहीं भी दिख सकता है, और वो कंपनी फिर भी चल रही है क्योंकि इतना नाम हो गया ना कि उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइडियल सिनेरियो जो होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे सिलेबस में पढ़ते हैं, जो होना चाहिए। कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं सीए फाइनल के, सीएमए फाइनल के, जब वो लोग को मान लीजिए कुछ लोग जॉब करते करते पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा जगह कोई मल्टीनेशनल में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, तो वो जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो वो बोलते हैं अरे सर मेरा कंपनी में यही हो रहा है, आप जो बोले वही हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है, मेरा कंपनी में जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। वो लोग क्या करते हैं, जैसे कंपनी का भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होता है एम्प्लॉय लोग का, ठीक है, तो अपना क्लास से कोई कोई चीज है ना क्लिप करके वीडियो बना के, वो वीडियो में क्लास कर रहे हैं ना, बना बना के अपना ग्रुप में भेजते रहते, देखो मेरा सर क्या बोल रहा है, यही हो रहा है हमारा कंपनी में, होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। तो बाकी लोग भी बोलते हैं हाँ भाई हमारा कंपनी, वो मेरे को एक दो ग्रुप चैट भी भेजा, कभी आप अलग से मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे पब्लिक में नहीं दिखा सकता, वो ग्रुप चैट भी भेजा, देखिए सर हम ऐसे भेजा था, देखिए सबको ऐसे ऐसे भी बोल रहा था। तो पॉइंट ये कि मैं कोई वो नहीं बता रहा कि तुम्हारा कंपनी में क्या होना चाहिए, मैं तो एक साइंस बता रहा हूं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की, ऐसा आज का जमाना का रिक्वायरमेंट है। अब आपका कंपनी पुराना जमाना का ख्यालात से चल रहा है तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, इट विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। यू गॉट द पॉइंट, डिफरेंस समझ में आया, सब्जेक्ट का डिफरेंस समझ में आया। मैंने चार एग्जाम्पल बताया, आपको एग्जाम्पल याद हुआ सर ने क्या क्या एग्जाम्पल बताया, थोड़ा सा उसको लिखिए ना अपने भाषा में, आपने आपको ये चार्ट बनाना है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लिखना है, ठीक है। सर ने एग्जाम्पल वन दिया, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करें सो दैट यू आर क्लियर अबाउट
व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको भूमिका दे रहे, कल को आप भी जाके आज किसी को बोलेगा कि भाई इंटर वाला बच्चा लोगों को थोड़ा आप लोग रैगिंग कर पाएगा, भाई तुम क्या पढ़ा ये सब, खाली जोड़ घटाव कर रहा है। थॉट्स कैसे सोचना है वो हम बताते तुमको, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा पैतरा मार पाइएगा। नॉर्मली हम देखते हैं फाइनल का बच्चा लोग को रहता है विंटर का बच्चा को जाके रैगिंग करने का, अरे ये क्या कर रहा है, छोड़ ये समझ, तो वो भी सुस्तारी, बाप रे बाप, फाइनल में आप लोग ये सब पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल वन मैंने समझाया आपको, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स होगा, एमपीवी एडवर्स होगा, तो ट्रेडिशनल व्यू क्या बोल रहा है, ऐसे कर दो, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ट्रेडिशनल व्यू क्या बोल रहा है, लॉस हो गया, हिंदी में लिख लो ऐसे, लॉस हो गया। मॉडर्न व्यू क्या बोलेगा, शायद अच्छा क्वालिटी होगा, अच्छा क्वालिटी का मटेरियल आया, उससे अच्छा क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स होगा, उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा आएगा, उससे गुडविल बढ़ेगा। क्या सोच है, वाओ व्हाट ए थिंकिंग, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं सर। देखो अभी आपके मन में और भी सवाल आ रहे होंगे, सर मटेरियल का क्वांटिटी ज्यादा यूज हो गया तो, देखो अभी हम आपका माइंड का सवाल नहीं ले सकेंगे, अभी हम आपको एक थॉट प्रोसेस दे रहे हैं, आप उसको कभी काउंटर मत करने जाइए, जब सही समय आएगा डीप में जाएंगे उसमें तो सब सिखा दिया जाएगा। एग्जाम्पल टू मैंने क्या समझाया, एग्जाम्पल टू किसके बारे में था, एग्जाम्पल टू किसके बारे में था, हाँ जी ऑनलाइन करने वालों आप लोग ध्यान दे रहे हैं क्या, आजाद द्विवेदी, याद है दूसरा एग्जांपल क्या चीज का दिया, वोडाफोन सेंटर का दिया, वोडाफोन क्लोजिंग डाउन इट्स सेंटर्स या आउटलेट्स, किस लिए, ट्रेडिशनल थिंकिंग क्या बोलता है, कॉस्ट कटिंग बोलते हैं इसको, कॉस्ट कटिंग, बट ये क्या बोलता है, अगर कॉस्ट कटिंग करोगे ऐसे तो इट विल, वेयर विल द कस्टमर्स गो, ये बोलता है, उस एंगल से भी तो सोचो, ये बोलता है इंक्रीज वर्कलोड इन रिमेनिंग, इंक्रीज्ड वर्कलोड इन रिमेनिंग, रिमेनिंग आउटलेट्स विच विल रिजल्ट इन बोथ कस्टमर एंड एम्प्लॉई डिससेटिस्फेक्शन, विच विल रिजल्ट इन बोथ कस्टमर एंड एम्प्लॉई डिससेटिस्फेक्शन, विच विल रिजल्ट इन बोथ कस्टमर एंड एम्प्लॉई डिससेटिस्फेक्शन। You got the point? Have you got the logic? Then again, what would be the competitor's move? Competitor क्या करेगा? आप बंद करोगे तो वो अपना दुकान लगा दिया तो,
एग्जाम्पल थ्री सर ने क्या बताया, देखा शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं इसको। हाँ कुछ बताया तो था यार, तेरे को याद है क्या? फर्दर प्रोसेस करे कि ना करे, फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज नेगेटिव इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, नेगेटिव इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। देखो मेरे को ना थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखने का आदत है, ठीक है। ये जैसे इंक्रीमेंटल लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया, तो आप थोड़ा यूज टू हो जाएगा मेरे से। मैं बोल बोल के लिखता हूं, ऐसा नहीं कि मैं चुपके से लिख के बैठ जाता हूं, ऐसा नहीं है, मैं बोल बोल के लिखता हूं। मेरा 15 साल का अनुभव में एक ही एक कांड हुआ बस, कि एक बच्चा मेरे को बीच क्लास से छोड़ के चला गया। मैं उसका पता लगाया क्यों छोड़ के चला गया, बोले बहुत शॉर्ट फॉर्म लिखता है यार। तो बोले इसके लिए छोड़ के चला गया, बोला हाँ हमको नोट्स लिखने में बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि क्या लिखते हैं, क्योंकि क्या होता है जब मैं बोल बोल के लिख रहा होता हूँ, वो स्लो लिखता था तो हमेशा पीछे चलता था और आगे आता था मेरे साथ साथ, तो बोलता था ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसका अगल बगल दोस्त समझ जाता था, वो नहीं समझता था, वो इन्फीरियर फील करता था, तो छोड़ के चला गया। तो बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैचअप करना है, हम दोनों के एक दूसरे को पहचानने में भी तो समय लगेगा। अगर आप इंटर में मेरे से पढ़े हुए होते अलग बात, फाइनल में क्या आपने, ठीक है चलो ट्रस्ट किया, नाम सुना, फ्रेंड्स पे ट्रस्ट किया, आप आ गए। बट एक मेथड होता है ना, हर एक का बोलने का तरीका होता है, मुझे आपको समझना पड़ेगा ज्यादा। देखो मुझे आपको ज्यादा समझने का दरकार नहीं है, बट आपको मेरे को समझने का ज्यादा दरकार है, है ना। हम दोनों को एक दूसरे के साथ ट्यूनअप होना है, जेल अप होना है। तो नया रिश्ता में थोड़ा इश्यूज रहता है ना। नया चप्पल हमेशा ध्यान रखना, चप्पल या जूता। हाँ नया नथ लेडीज लोग के लिए लागू है, नाक में पहनेंगे जब। और कोई भी नया रिश्ता इनिशियल डेज में काटता है, दर्द देता है। नया चप्पल जूता थोड़ा पैर में सेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। नया नथ अगर नोज पियर्स कराओगे गड़ेगा, आपको लगे क्या पहन लिया। और तीसरा चीज, नया रिश्ता किसी के साथ भी, चाहे टीचर के साथ हो, चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो, चाहे फ्रेंडशिप का हो, ठीक है। फर्स्ट डे रोजी नहीं हो सकता, या है तो वो मतलब समझ लेना वो टेम्पररी है, वो आगे जाके थोड़ा समस्या आएगा। पहला दिन हो सकता बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट धीरे धीरे थोड़ा समस्या आएगा, बट वो समस्या को सेटल होने का समय देना चाहिए, ये हमारा मैच्योरिटी है। तो हम दोनों जो पहली बार आज मिल रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे फेथ करके आ गए, फ्रेंड्स पे रिलाई करके आ गए, या जैसे भी इंटरनेट से खोज के आ गए, उनको शुरू शुरू में ज्यादा थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। कोई लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा हिंदी बोल देगा, जजमेंट करते हैं ना हम लोग, अरे यार बहुत ज्यादा हिंदी बोल रहा है, अरे यार बहुत स्लो है, अरे यार बहुत फास्ट है, अरे यार ये लिखा ही नहीं रहा, अरे यार ये लिखा रहा है, बहुत लिखा रहा है। हर एक का प्रोज है कौन सा है, ठीक है। अरे अरे देख अभी भी मेन टॉपिक पे नहीं आया, अभी भी ये नहीं आया, कई भी चीज कुछ भी आप बोल सकते हो। तो वो सारा इश्यूज को एक दो चैप्टर के बाद आप देखोगे सब खत्म हो गया, आपको लगेगा बेस्ट है। उतना समय देना पड़ेगा, पहला और दूसरा से वो फैसला नहीं हो सकता है, ठीक है। यू हैव टू गिव टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाउ एनी रिलेशनशिप टू ग्रो। आपका ट्रस्ट यहां पे ब्रेक नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारा संस्था ट्रस्ट पे ही चलता है। कस्टमर का ट्रस्ट बोलो या स्टूडेंट का ट्रस्ट बोलो, वो ट्रस्ट पे ही संस्था चलता है, ठीक है। कोई भी संस्था कोई गिमिक पे नहीं चलता है। सो फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज नेगेटिव इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, ट्रेडिशनल व्यू क्या बोलेगा? डू नॉट फर्दर प्रोसेस। क्यों? क्योंकि नेगेटिव प्रॉफिट हो रहा है, डू नॉट फर्दर प्रोसेस। और मॉडर्न व्यू क्या बोलेगा भाई साहब? व्हाट विल मॉडर्न व्यू से? वो बोलेगा बिफोर टेकिंग सच डिसीजन, पहला चीज ये सोचो। तने एक कस्टमर आता है ना, आपको पता है कि सेल्समैनशिप में देखा होगा आपने कि कस्टमर आ रहा है कोई ऐसा प्रोडक्ट लेने के बहाने जिसमें हमको नुकसान हो रहा है,
तो आने तो दे, एक बार आने तो दे, फिर दूसरा चीज बेचेंगे ना जिसमें हमको फायदा होगा। तो वो एंगल से आप तो सोच ही नहीं रहे, आप बोल रहे बस नुकसान हो रहा है बंद कर दो। बट वो कस्टमर आता है तो ये भी तो देखो कि वो दूसरा कोई प्रोडक्ट बाय करता है क्या। तो इसमें कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर ध्यान दो। लॉयल्टी मतलब हो सकता है कि आप क्या उसको कुछ क्रॉस सेल करते हो, अपसेल करते हो। क्रॉस सेल होता है कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचना, अपसेल मतलब होता है कोई महंगा प्रोडक्ट को बेचना। अपसेल अपॉर्चुनिटीज आपका है क्या, हो सकता है एक प्रोडक्ट जिससे नुकसान हो रहा है वो आपका दूसरा किसी प्रोडक्ट को भी वो कस्टमर खरीदता है आगे जाके जिसमें फायदा हो जाता है। कस्टमर लॉयल्टी, क्रॉस सेल और अपसेल अपॉर्चुनिटीज। सेकंड नंबर इंप्लॉइज वर्किंग ऑन फर्दर प्रोसेस, या इंप्लॉइज वर्किंग ऑन द प्रोसेस बीइंग क्लोज्ड। उनका क्या होगा अगर आप उनको निकाल दोगे ना, तो क्या होता है रिमेनिंग इंप्लॉइज डिमोरलाइज हो जाते हैं। इंप्लॉइज वर्किंग ऑन द प्रोसेस बीइंग क्लोज्ड, एक इंप्लॉय को निकालने से दूसरा इंप्लॉय डिमोरलाइज हो जाता है। इंप्लॉइज वर्किंग ऑन द प्रोसेस बीइंग क्लोज्ड। चौथा एग्जांपल मैंने आपको दिया जापानीज गवर्नमेंट ऑप्टिमाइजिंग ट्रेन रूट, ऑप्टिमाइजिंग ट्रेन रूट्स। ठीक है, ये क्या बोलेगा, शटडाउन या फिर शटडाउन ही बोल दीजिए, मान लीजिए शटडाउन नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स। बट यहां पे अप्रोच क्या है, कंटिन्यू फॉर सोशल वेलफेयर। कंटिन्यू फॉर सोशल वेलफेयर, जिसका एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। ऐसे चार दिया हूं, 4400 एग्जांपल है, अनगिनत एग्जांपल है, अनलिमिटेड एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल आज चार आपके दिमाग में दे दिया, सिलेबस जैसे से आगे बढ़ेगा और भी आते रहेगा। सर बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। कितना लिखा है, मतलब अंदर में आ रहा है मेरे, मैं रोक रहा हूं, मैं बोल रहा हूं छोड़ और मत आ, बच्चा लोगों को दूसरा चीज में ले जाता है। बहुत सारे एग्जांपल है ऐसे, कोई भी चीज का एक फ्लिप साइड होता है। आपको आज से ये सोचना है, फ्लिप साइड होता है कि ऐसा नहीं करने से क्या हो सकता है। वो क्वेश्चन मार्क अगर आप अपने अंदर में डालोगे तो आंसर आएंगे आपके पास, ठीक है। वो क्वेश्चन मार्क जब डालोगे, क्वेश्चन सीक राइट क्वेश्चंस, तो यू विल गेट द आंसर। इफ यू वांट टू गेट द आंसर यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ राइट क्वेश्चन इन योर माइंड। आज से एक नया चीज सीखा कि अगर इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा। रुपया पैसा के बियॉन्ड सोचना है, खाली रुपया पैसा से नहीं सोचना है, शॉर्ट टर्म के एंगल से नहीं सोचना है, ये सब शॉर्ट टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म के एंगल से सोचना है। तो कंक्लूजन क्या है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट गिव्स यू अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ टेकिंग एनी स्टेप इन योर ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट टेक्निक, इज अ मैनेजमेंट टेक्निक दैट focuses on long-term consequences, that focuses on long-term consequences
is a management technique that focuses on long-term consequences of a decision. Value creation rather than cost cutting वैल्यू मतलब क्या होता है वैल्यू और कॉस्ट में फर्क होता है वैल्यू मतलब होता है बेनिफिट किसी को फायदा हो रहा है तो कॉस्ट लगने दो कोई प्रॉब्लम नहीं किसके लिए वैल्यू क्रिएशन हो रहा है फॉर ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स मेन स्टेक होल्डर होता है कस्टमर और इंप्लॉई बट और कोई भी जिसके लिए फायदा हो रहा है अगर जैसे ट्रेन के लिए स्टेक होल्डर कौन है उसका जो बेनिफिशियरी है जो यात्री है वो स्टेक होल्डर है तो मेन दो स्टेक होल्डर हर संस्था में होता है वो होता है कस्टमर और इम्प्लॉय तो उसका फायदा हो रहा है अगर तो आप जरूर उसको कंटिन्यू करिए कस्टमर एंड इम्प्लॉयज ठीक है सी नंबर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये कैसे आएगा थ्रू सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू Sustainable competitive advantage through product differentiation and cost leadership. Sustainable competitive advantage through product differentiation and cost leadership. Sustainable competitive advantage through product differentiation and cost leadership. So, इसमें बात आ रही है कि sustainable competitive advantage का मतलब क्या है Competitive advantage मतलब competitor से better कर पाना अब better माने मैं हमेशा बोलता हूं जितना चीनी डालो उतना मीठा है Better का कोई definition है नहीं है तो कितना बेटर करना है जो बाकी नहीं कर पा रहे उससे थोड़ा सा ज्यादा बाकी जो करे उससे थोड़ा सा ज्यादा मतलब कुछ ऐसा करो जो बाकी नहीं कर पा रहे और वही करो जो सस्टेन कर सको आज करोगे कल नहीं करोगे तो उसका वैल्यू नहीं है ठीक है कैसे करना पड़ता है ये चीज दो स्ट्रेटजी होती है उसकी प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन लाओ कुछ नयापन करो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने का तीन तरीका मेनली माना गया है एक है क्वालिटी बहुत अच्छा कर दो दूसरा कुछ इनोवेशन करो और तीसरा रिस्पॉन्सिवनेस कस्टमर जो पूछ रहा है फटाफट आंसर करो ठीक है ऐसा नहीं हो कि उसकी क्वेरी अनआंसर्ड रह जाए कॉस्ट लीडरशिप मतलब होता है कॉस्ट कम कर दीजिए इतना वॉल्यूम में खेलिए इतना कॉस्ट कम कर दीजिए जिससे कि प्राइस आप कम कर पाओ तो अपने आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिल जाएगा क्या बेस्ट क्वालिटी लो कॉस्ट पे दे पा रहे हो कंप्यूटर के मुकाबले आप किसी और के पास क्यों जाएंगे वोडाफोन के पास नहीं जाके एयरटेल के पास क्यों जाता है लोग आप लोग क्या एयरटेल है वोडाफोन है कि जियो है वोडा तीनों है एयरटेल नहीं वोडाफोन है कि एयरटेल है दोनों नहीं है दोनों है जियो है एक चीज सोचो जियो के पास आप क्यों गए एयरटेल के पास क्यों नहीं गए कॉस्ट कम है ये देखो इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ बैठ जाएगा मैं एयरटेल ले रखा हूं और जियो दोनों ले रखा हूं मैं भी दो दो ले रखा हूं वोडाफोन के पास नहीं गया मैं मेरा पहला नंबर जो था वो वोडाफोन का ही था बट चेंज करके एयरटेल में आ गया क्यों क्योंकि एयरटेल ने बहुत अच्छा सर्विस क्वालिटी बना रखा है नेटवर्क अच्छा मिलता है प्लस उसका सर्विस सेंटर्स भी थोड़ा ज्यादा है तो क्वालिटी मैंने बोला तीन तरीका से है क्वालिटी इनोवेशन और या रिस्पॉन्सिवनेस
क्वालिटी मतलब जैसे हम लोग का फोन में क्वालिटी माने क्या है, नेटवर्क टाइम पे आना चाहिए, कॉल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इनोवेशन मतलब कुछ नया, एयरटेल में आप देखो एयरटेल डीटीएच सर्विस भी है, एयरटेल का प्लान्स वगैरह भी थोड़ा सा अलग अलग टाइप का अच्छा अच्छा प्लान्स है। और रिस्पॉन्सिवनेस मतलब सर्विस लेने जब जाते हैं तो वहां से आदमी रिस्पॉन्ड कर देता है। वोडाफोन में और ज्यादा हालत खराब है, और जियो उससे भी बेटर कर दिया, क्वालिटी उससे भी बेटर कर दिया, इनोवेशन और रिस्पॉन्सिवनेस और भी ज्यादा अच्छा कर दिया, और एट द सेम टाइम कॉस्ट लीडरशिप भी कर दिया। अब वो एक बार किया और उसके बाद नहीं कर पाया तो मार्केट चला जाएगा। इसलिए सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, समझ गए, सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने से खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है, उस खर्चा को मेकअप करने का दो उपाय है, या तो प्राइस बढ़ा लो या फिर वॉल्यूम बढ़ेगा। दो ही उपाय है, प्राइस बढ़ेगा या वॉल्यूम बढ़ेगा। कॉस्ट लीडरशिप करने से क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाता है, कॉस्ट कम होता है तो आप उसका बेनिफिट कस्टमर को दे दीजिए, प्राइस घटाकर कस्टमर ज्यादा आ जाएगा आपके पास, कॉम्पिटिटर का मार्केट आपका हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, समझ गए। या फिर आपको लग रहा है कि नहीं कस्टमर ज्यादा नहीं आएगा तो भी आपको कॉस्ट कम करना चाहिए, जिससे आपके पास खुद के पास ज्यादा प्रॉफिट बचे। प्राइस कम मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने का कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, उसके कारण क्वालिटी रेज होगा, क्वालिटी रेज होगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ा सकते हो। आपको लग रहा है प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से फायदा। कॉस्ट लीडरशिप से क्या फायदा होगा, कॉस्ट घट जाएगा तो आप प्राइस सेम रखो तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया आपका, और अगर उसका बेनिफिट कस्टमर को दे दो प्राइस कम करके तो आपके पास मार्केट का वॉल्यूम ज्यादा आ जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटर से बेटर करना, लड़ना नहीं है, वी आर नॉट सेइंग कि लेट्स फाइट विद द कॉम्पिटिशन, वी आर सेइंग दैट व्हाटएवर दे आर डूइंग आई शुड बी एबल टू डू अ लिटिल बिट मोर, तो मजा आएगा, एंड लेट्स इंजॉय दैट कॉम्पिटिशन। जैसे आप लोग साथ में बैठ के पढ़ रहे हो तो आप दोनों का लड़ाई हो रहा है क्या, दोनों का गोल एक ही है तो दोनों में लड़ाई हो रहा है क्या, नहीं ना। अब मान लीजिए आपको होमवर्क मिला, आप करके ले आए, दूसरा वाला बोलता है ठीक है वो कर लिया, कॉम्पिटिशन नहीं लाते हैं ना, अगर कहला ठीक है वो कर लिया हमको नहीं करना, हम कुछ और कर रहा है, एक तरीका है। दूसरा तरीका है वो ये कर लिया तो हमको उससे थोड़ा सा ज्यादा करना है, हम होमवर्क भी कर लेगा, हम थोड़ा सा रिविजन भी करके जाएगा, तो उससे क्या होता है फन, गेम में फन आ जाता है, मजा आ जाता है ना। इंडिया इंग्लैंड का मैच हो रहा है तो इंडिया इंग्लैंड दुश्मन हो गए क्या, कॉम्पिटिशन से क्या होता है, गेम होता है, मजा आता है। मैच में जो हार जाता है वो भी तो जीतने वाले से हाथ मिला के निकलता है, इट्स लाइक दैट। आपको कॉम्पिटिटर से बेटर करना है, इस बार हम जीतेंगे कभी वो जीतेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग को हमेशा ये जो गेम है ये ऑन रखना है, इसके लिए हम लोग को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कॉस्ट लीडरशिप करते रहना है, ठीक है। ये बेसिक सारांश है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, ये तीन पॉइंट में मैंने पूरा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट समझा दिया है, जो ट्रेडिशनली नहीं होता है। ट्रेडिशनली कॉस्ट कटिंग पे फोकस होता है, ट्रेडिशनली सोचता है अभी का सोचो, उतना दूर का क्यों सोचना है, और ट्रेडिशनली कॉम्पिटिटर पे ध्यान नहीं देते, अपना ही धुन में चल रहे होते हैं, समझ गए। जैसे हम लोग के ऊपर भी ये सब लागू हो जाता है, जैसे ही आप कमर्शियल हो जाते हो ना ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब बातें आपको सोचनी पड़ती है आज ही तो कल। हम लोग के साथ कैसा हुआ, मान लो अभी ऑनलाइन सब हो गया पेंडेमिक के कारण, अब पेंडेमिक के कारण ऑनलाइन हो गया तो कई सारा इंस्टीट्यूट सस्टेन ही नहीं कर पाया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को, सब बंद करके निकल गए। 11-12 वगैरह में तो बहुत इशू हुआ। अब क्या हुआ कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है कि मेरे को लाइव जाना है कि ऑनलाइन करना है कि रिकॉर्डेड करना है कि फेस टू फेस करना है, एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। तो हमारे पास हमने एक सारा कैलकुलेशन बिड़ाया और हमने कैलकुलेट किया कि लाइव इंफ्रास्ट्रक्चर का मेरा कॉस्ट क्या है और उससे मेरा लाइव में रेवेन्यू क्या आएगा फेस टू फेस में, ठीक है, अंजाम आपको दिख ही रहा आसपास, फेस टू फेस में रेवेन्यू क्या आएगा और खर्चा क्या है हमने कैलकुलेट किया। ट्रेडिशनल सिस्टम से जाते तो क्या लग रहा था, बंद कर दो, क्या दरकार है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का,
आज हमारे यहाँ पे इतना स्टूडेंट बैठ सकता है, हमको पता है कि हम लोग कलकत्ता में हैं, कलकत्ता माइंडसेट मेरे को पूरा मालूम है लोग यहाँ पे कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो एकदम ट्रेडिशनल चले तो वायबल है ही नहीं, बट हमारा सोचने का तरीका क्या है, स्ट्रेटेजिक। तो हमने कैसे सोचा कि जीरो आएंगे ऐसा तो नहीं है ना, कुछ तो आएंगे, उन कुछ को फेस टू फेस ही पढ़ने का है। वो बोलता है हम लाइव नहीं पढ़ेगा, ऑनलाइन नहीं पढ़ेगा, हम रिकॉर्डेड नहीं पढ़ेगा। तो वो कुछ अगर यहां नहीं आया तो कहीं और चला जाएगा, और वो कहीं और चला गया तो वो उसका रेफरेंस से जो 10-10 बच्चा आता उसका क्या होगा, मेरा तो चेन टूट जाएगा। एक बच्चे के कारण हम बोले ना, जैसे आपको ट्रेन का गांव का स्टोरी नहीं समझाएगा, एक लड़की के कारण वो कितना गांव में लोग पढ़ लेता और कितना गांव में कमा लेता, वैसे हमने सोचा एक बच्चे के कारण 10 आता है तो 10 से कितना आ सकता है, उसका रेफरेंस अगर तुम कहीं और चले जाओगे, कहीं और पढ़ोगे तो उनका गाना गाओगे, तो भाई 10ों को तो तुम वहां वहां भेजोगे, तो मेरा तो एक के पीछे 10 का कमाई है, आज नहीं है लॉन्ग टर्म में है ना। हम ये नहीं बोल रहे तुम मुझे कल ही 10 भेजोगे, तुम्हारा आगे का जितना जिंदगी का समय है उसमें तुम 10 भेजोगे ही भेजोगे, हमको पता है आप रोक नहीं सकोगे, जितना भी जिंदगी बाकी है तुम 10 भेजोगे ही, तुम रोक ही नहीं पाओगे, तो मेरा पूरा लॉस हो गया। तो उस कैलकुलेशन को जब सोच रहे हैं तो लग रहा बेवकूफी हो जाएगा भाई साहब, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, दूर का सोचना पड़ेगा, और कल को बच्चा भी अभी कंफ्यूज है, क्या मालूम उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्या मालूम और हम लोग भी आज जगह है तो क्या क्या चीज और कर सकते हैं, कई सारा वर्कशॉप कर सकते हैं, कई सारा सेमिनार कर सकते हैं जगह है तो। ये स्ट्रेटजिक थिंकिंग है। और शॉर्ट टर्म थिंकिंग क्या है भाई, पेंडेमिक है बंद करो। इवन हमारी इंडस्ट्रीज है, हमारे कुछ सर लोगों ने हम लोग को बोला पेंडेमिक आ गया अब क्या करना है, आप इतना बड़ा जगह लेके क्यों चला रहे, बंद कर दीजिए, कुछ नहीं आने वाला है, छोटा सा जगह लेके लाइव ऑनलाइन चलाइए। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तो ट्रेडिशनल थिंकिंग हो गया, स्ट्रेटजिक थिंकिंग अलग है भाई साहब। तो दिस इज हाउ, इफ वी आर एबल टू क्रिएट सम वैल्यू फॉर आवर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, फॉर आवर एम्प्लॉइज, वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट। दिस थॉट प्रोसेस इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये थॉट प्रोसेस को सेंट्रल थीम बना लेना आज से अपना, ये कोई इस एग्जाम में नहीं आ रहा आपका, बट ये आपका माइंड में एक सेंट्रल थीम रहेगा, जब भी ये सब्जेक्ट पढ़ोगे इस तरह से सोचना है, ठीक है। अब हम लोग जब सब्जेक्ट के अंदर एंट्री मारेंगे तो हम बहुत सारे टेक्निक्स सीखेंगे, जिससे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आएगा, जिससे कॉस्ट लीडरशिप आएगा, ये मेन है। इन दोनों का कैसे कैसे आ सकता है, नए जमाने में दुनिया में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे आपका सिलेबस में एक है मॉडर्न मॉडर्न कॉस्ट मैनेजमेंट, मॉडर्न वर्ल्ड का कॉस्ट मैनेजमेंट। मॉडर्न वर्ल्ड मतलब दुनिया में आज का डेट में जो ग्लोबलाइजेशन आ गया है कि एक एक कंपनी वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर पा रहा है। जैसे आप एक एग्जांपल सोचो, अपने आसपास में कौन सी कंपनी है जिसका पूरा वर्ल्ड में नाम है और आप उसके प्रोडक्ट यूज भी करते हो, HP, एक एक आपको ऐसे दो चार नाम सोचते जाओ ना दिमाग में, उसके प्रोडक्ट आप यूज कर ही रहे हैं और वर्ल्ड में नाम है उन लोगों का, एप्पल, HP, गूगल, सोनी, सैमसंग, फोर्ड, टोयोटा, है कि नहीं है। ये लोग कोई खाली एक कंट्री में काम कर रहे हैं क्या, वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं भाई साहब, वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इन वन कंपनी। एयरटेल खाली इंडिया में, ऐसा मत सोचना, एयरटेल अफ्रीका में लीडर है, लीडर। तो ऐसे इतनी सारी कंपनियां होंगी जिनका प्रोडक्ट वर्ल्ड में चल रहे हैं, राइट। तो वो कंपनियां अगर ट्रेडिशनली सोचती ना, खत्म हो जाती, वो वहां तक पहुंचेगी नहीं। उनका सोचने का तरीका क्या है, क्या क्या टेक्निक से, जैसे कुछ टेक्निक सब जगह लागू नहीं होता है, कुछ टेक्निक कुछ जगह लागू होता है, क्या क्या टेक्निक से उन्होंने अपने आप को वहां तक पहुंचाया। बेसिकली एक चीज और आपको बताते हैं, ये मैं हमेशा स्टार्टिंग में ही बताता हूं, कभी ऐसा नहीं होता है कि चलो हम तुम बैठ जाते हैं
तुम भी बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, हम भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, चलो आओ शाम को चाय पे बैठते हैं और मिल के टेक्निक बनाते हैं। ऐसा होता है क्या? चल आ जा, मिल के टेक्निक सोचते हैं, फिर पूरा दुनिया में फैला देंगे, सब कंपनी फॉलो करेगा और बच्चा लोग पढ़ेगा। डज इट हैपन लाइक दैट? नो। सो हाउ डज इट हैपन? हाउ डज अ टेक्निक कम्स? हाउ डज अ टेक्निक कम्स? दुनिया में टेक्निक आया ही कैसे? एक कहावत हमेशा याद रखना, वो कहावत बहुत काम की चीज है, नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। सुने ऐसा कहावत कभी? हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, पढ़े कभी ऐसा? नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। क्या होता है, हम कुछ समस्या में फंस जाते हैं, क्या तो हम खुद ही उस समस्या से निकलते हैं, और जो जो तरीका हम अपनाते गए, तो कुछ लोग ऐसे थे दुनिया में जिन्होंने वो तरीका जो अपनाते गए उसको किसी किताब में या आर्टिकल में कैप्चर कर लिया और वो किताब को जगह जगह पहुंचाया, है ना। मैंने एक प्रॉब्लम को फेस किया, जैसे मान लीजिए मैंने SGC नाम का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाया बिना किसी सपोर्ट के, मतलब जैसे जो आप लोग सी करते, मेरे आसपास कोई CMA नहीं है, वैसे मेरे आसपास कोई ट्यूशन टीचर नहीं था, तो कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके यहां पे बनाया। अब मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया और अपना दुनिया में जी रहा हूं, ये एक तरीका है। मैंने अपना तरीका किसी को बताया ही नहीं, कल को आपको पढ़ाना है तो मैंने आपको अपना तरीका बताया ही नहीं। और एक तरीका हो सकता है कि मैं इतना फ्री हो गया अपना काम करके, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके, मैंने सोचा किताब लिखो, आर्टिकल लिखो, जगह जगह लोगों को बताते हैं कि कैसे हमने ये किया, क्या प्रॉब्लम हमने फेस किया। तो ऐसे टोयोटा के जो ओनर थे, ओनर का एक राइट हैंड था, उनका नाम था ओनो ताइची, ताइजी नहीं ताइची, ताई ताई पढ़ते हैं ना, ताई समझते हैं ना अपना रिलेटिव में ताई कौन होता है, तो ताई ताइजी नहीं ताइची, ओ नो ओह नो OHNO। अब गूगल करके पढ़िएगा, अगर इंटरेस्ट है ये सब चीज में तो इनका आर्टिकल्स मिलेगा, इनका किताब मिलेगा। ये टोयोटा एक्चुअली सर नेम है, टोयोटा वॉज द सर नेम ऑफ द पर्सन ऑफ द फाउंडर ऑफ टोयोटा कंपनी, ठीक है। तो टोयोटा का जो राइट हैंड था ओनो ताइची, चीफ इंजीनियर था, तो उन्होंने टोयोटा कंपनी में जो समस्याएं हो रही थी उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए और उसको एक दिन बैठ के लिख दिया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सक्सेस आ गया मेरे पास सारा, तो सक्सेस आ गया तो अब हम रिटायर हो रहे हैं तो हम क्या करें, तो हमने जो जो सीखा उसको बैठ के प्रॉपरली लिख दिया, किताब बना दी और हर जगह उसको पहुंचाने का कोशिश किया, जगह जगह जाके सेमिनार लेने चालू कर दिए, और फिर हमारी बातों को विश्वास करके किसी और ने अप्लाई किया उसको भी रिजल्ट आ गया, किसी और ने अप्लाई किया उसको भी रिजल्ट आ गया। जब देखा धमाधम रिजल्ट आ रहा है तो भाई बड़े बड़े एकेडमिशियन को इन्वॉल्व किया गया कि इसको ऐसा कुछ बना दो कि हर कोई इसको पढ़ सके, बहुत साधारण भाषा में लिख दो। तब जाकर एक सिस्टम बन गया द टोयोटा वे, और उसी का नाम पड़ गया जस्ट इन टाइम सिस्टम। जस्ट इन टाइम नाम सुना होगा, वो टोयोटा वे है। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक सिस्टम बन गया जिसको एक ऐसा साइंस की तरह बना दिया गया कि कोई भी उसको अप्लाई कर सकता है। ऐसे लिखना साधारण भाषा में लिख दिया गया और हर यूनिवर्सिटी अपना जैसे सिलेबस में उसको इनकॉर्पोरेट करने लगी, है ना। जैसे हार्वर्ड अपना में डाला तो ऑक्सफोर्ड डाला तो स्टैनफोर्ड डाला तो उन लोग को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, तो फिर ये वाला यूनिवर्सिटी डाला, वो वाला डाला, फिर CA इंस्टीट्यूट ले लिया, CMA इंस्टीट्यूट ले लिया, CMA इंडिया ले लिया, ऐसे हर कोई उसको एडॉप्ट करता गया, एंड दैट वे द रिजल्ट स्टार्टेड कमिंग। तो रिजल्ट स्टार्टेड कमिंग तो भाई लगा कि आप लोगों को भी पढ़ा दिया जाए। तो ऐसे कोई टेक्निक बनाए, मतलब कोई ये नहीं कि चल खाली बैठ के सोचते आज कोई नया टेक्निक लाते, ठीक है। ऐसी एक और टेक्निक है, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप सुनो। जापान एक जमाने में, पता है जापान से बहुत सारा निकला, क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर सुने होंगे ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जापान को हुआ था। अमेरिका ने जापान पे बॉम्ब गिरा दिया,
तो जापान कंट्री के तरह, जैसे यूक्रेन का भी हालत आप सुन रहे ना, वैसे उससे भी बदतर हालत जापान का था, उससे भी बदतर। तो जापानीज जब खड़े हो रहे थे ना, मतलब वहां पे इतनी ज्यादा समस्या थी, इतनी ज्यादा कि जापानीज प्रोडक्ट, जैसे आज अपने कई बार चाइनीज प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है चाइना का माल उठा लाया, चाइना का प्रोडक्ट है, वैसे लोग जापानीज प्रोडक्ट के लिए बोलते थे जापानीज घटिया घटिया है, जापानीज चीज मत लेना, पूरा वर्ल्ड में उनका नाम इतना बदनाम था। बट वहां का गवर्नमेंट, वहां का जो मैन्युफैक्चरर्स एंटरप्रेन्योर्स, वो लोग नहीं ये कैसे ऐसा कैसे, तो वो लोगों ने अपना जीवन लगा दिया इस गुडविल को बनाने के लिए, और आज जापान का प्रोडक्ट वर्ल्ड में टॉप में आता है हर समय। जापानीज प्रोडक्ट है, आंख बंद करके चलो। तो उस समय सोनी कंपनी के जो मालिक थे, जिसने सोनी कंपनी बनाया, उन्होंने कसम खाई कि ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएंगे जो लोगों का जिंदगी को आसान करेगा, ऐसा विजन उन्होंने बनाया। मतलब क्या बनाएंगे वो क्लियर नहीं था, ये नहीं सोचा था टीवी बनाएंगे, ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसा प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो लोगों का जिंदगी को आसान कर देगा, और वो प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होगा जिसको वर्ल्ड एडमायर करेगा। तो उन्होंने चालू किया काम करना। पता है पहला प्रोडक्ट क्या बनाया सोनी ने? प्रेशर कुकर। उनको लगा शायद इससे लोगों का सॉल्व होगा, बट ठीक है वो शुरुआत थी। बाद में उनको जाके क्लिक किया कि यंगस्टर्स को काम पे जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, गाना सुनने का बहुत शौक है, गाना सुनने के लिए इतना बड़ा एक ऐसा टेप रिकॉर्डर जैसा बजता है वो, है ना, डिस्क जैसा, जिसको कैरी नहीं कर सकते बट यंगस्टर्स को तो बड़ा शौक है। तो क्या कोई पोर्टेबल डिवाइस हो सकता है जो वो ले लेके घूमे और गाना सुनते रहे? ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इनोवेशन करना है कुछ नया, और ऊपर से ऐसा कोई दाम पर उसको देना जिसको सब कोई खरीद सके, क्योंकि वो बड़ा, पहले क्या था ना, जिसके घर में बड़ा टेप रिकॉर्डर होता था लग्जरी होता था, पता है इसके घर में टेप रिकॉर्डर है, लोग गाना सुनते हैं उसमें, और रईसों का राजा रजवाड़ा लोग का शौक होता था, वो हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। ठीक है, बट वो बोले ऐसा होना है जो जनता जनार्दन के पॉकेट में गाना का डिवाइस घुस जाए और उनका जिंदगी का मजा वापस आ जाए, जिसके लिए वो तरस जाता है। जैसे हम लोग के घर में पहले क्या होता था, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, हमारे घर में तो था, जब हम बच्चे थे स्कूल में जाते थे, हमारे घर में टीवी नहीं होता था, हम लोग पड़ोसी के जा जाके टीवी देखते थे, पूरा बिल्डिंग में एक टीवी होता था, पूरा बिल्डिंग में एक फोन होता था किसी के घर में, तो सबका फोन भी वहीं आता था, सबको टीवी देखने भी वहीं जाते थे। अब आज का डेट में तो सबके घर में टीवी, तो वैसे ही वो जमाना था, गाना सुनने का डिवाइस सबके पास नहीं है, सोचो। तो उस समय सोनी के जो फाउंडर थे, उन्होंने कसम खाई कि ऐसा एक प्रोडक्ट जो सस्ता भी हो, पोर्टेबल भी हो और गाना सुना दे, लोगों का जिंदगी बदल दे, अब वो कैसे बनेगा? नॉर्मली क्या होता है, कॉस्ट ट्रेडिशनली जाएंगे ना, तो प्राइस कैसे आता है? सारा खर्चा जोड़ो प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस, ये पुराना कॉस्टिंग है। यहां पे उल्टा गेम हो गया, बोले पहले पता लगा लेते कस्टमर क्या देने रेडी है, वो पता चला 2000 रुपये देगा, तो 2000 रुपये प्राइस पहले पता है, अब बैक कैलकुलेशन करो कि प्रॉफिट कितना चाहिए, तो कॉस्ट कितना होगा, और उस कॉस्ट पे प्रोडक्ट बना के दिखाना है। चैलेंज ले लिया, बना के दिखाएंगे, और ट्रायल एंड एरर कर करके लिटरली बना दिया, और तब जाकर हमारे पास वॉकमैन आया। वॉकमैन सुने आप कभी, देखे वॉकमैन? राइट, तो वॉकमैन वो छोटा सा कैसेट, उसमें घुमा घुमा के वो टेप रिकॉर्डर जैसा, वो उसी में फिट हो जाएगा। तो ये सोच बेसिकली क्या थी, नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, या फिर विजन होता है किसी का कि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, नीड बोलो या विजन बोलो, विजन इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन भी बोल सकते हो। तो उन्होंने ऐसा सोच रखा, एक सपना देखा और उसको साकार किया, और साकार किया तो ये नहीं कि उस जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसको छुपा के रखा और अपने तक ही रखा। कुछ ही लोग ऐसे होते दुनिया में जिसने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को, टेक्निक को दुनिया के साथ शेयर किया। तो जब दुनिया के साथ शेयर किया तो उसका एक नाम देना था, तो नाम दे दिया टारगेट कॉस्टिंग।
और फिर टारगेट कॉस्टिंग यूज करके दुनिया में आज हर समय कई सारे प्रोडक्ट बनते रहते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। पार्ले जी बिस्किट टारगेट कॉस्टिंग, 5 रुपए में इतना सारा बिस्किट कोई बना के दिखा दे, 10 टो बिस्किट मिलता है 5 रुपया में, घर पे बनेगा ही नहीं आपसे कि इतना सस्ता में ये देने का है। यही प्राइस, प्राइस पहले डिसाइड हो जाता है, कैसे होगा सोचो, पूरा सब कुछ बैक कैलकुलेशन पे जाएगा। दिस इज टारगेट कॉस्टिंग। तो ये जो टेक्निक्स है, ये मॉडर्न टेक्निक्स है जो जमाने भर में यूज हो रहा है, जिसको लेकर हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम लोग बैकग्राउंड नहीं जानते उसका वो क्या है। तो वो बैकग्राउंड थिंकिंग आपको हम लोग देंगे सब्जेक्ट में, वो है सारा मॉडर्न टेक्निक्स जो आप लोग इंटर में नहीं पढ़ते। इसके अलावा अब क्या होता है ना, फैसला लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है कि अब हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो में फायदा हो रहा है तो आगे बढ़े ना बढ़े, कैसे देखे फायदा, कैलकुलेट कैसे करते हैं। डिसीजन में जरूरी नहीं होता कि सारा का सारा हम जो आपको तरीका बताए 4 तरीका सब डिसीजन इसी तरीका से लिया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। हालांकि स्ट्रेटेजिक का गोल ये है, बट स्टिल देयर कैन बी सर्टेन डिसीजन विच कैन बी स्टिल टेकन इन ट्रेडिशनल वे इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो सब कैसे होता है उसको लेकर हमने दूसरा यूनिट बनाया हुआ आपके सिलेबस में, डिसीजन मेकिंग नाम का। तो पहले जो बता रहे थे वो बता रहे थे, जैसे टारगेट कॉस्टिंग, जैसे आपको एक और नाम बताया जस्ट इन टाइम, ये मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न सिस्टम है जो चल रहा है वर्ल्ड वाइड। आज का जमाना में ग्लोबल कंपनी ग्लोबल उस रास्ता आपको पकड़ के बना है। बट यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं आपके साथ, किस पे बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पर। तो डिसीजन मेकिंग पुराना तरीका से भी होता है, नया तरीका से भी होता है, बट अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से अगेन सोचना पड़ता है। हम लोगों को पता है असली असली पैसा कब मिलता है, ये मेरे को जब मैं आपके जैसे स्टूडेंट था ना, तो एक क्लास में कॉस्टिंग गई, मैं एडमिशन लिया था एक सर के यहाँ पे, वो सर अब नहीं पढ़ाते हैं, तो वो सर के यहाँ पे कोइंसिडेंटली मैं 2-3 क्लास ही कर पाया, क्योंकि मैं उस समय पढ़ाता था, मेरे को मतलब क्या होता था कि स्टूडेंट का टाइम पहले सेट करना पड़ता था, फिर बचा हुआ टाइम पे मैं पढ़ने जाता था। तो स्टूडेंट लोग कभी कभी होता है यही टाइम पे आएंगे यही टाइम पे आएंगे, तो मेरा क्लास कैंसिल हो जाता था। तो मैं उस समय वीडियो बैकअप का सिस्टम नहीं था तो क्लास कर ही नहीं पाया, बट कोइंसिडेंटली मैं 2 या 3 क्लास कर पाया। उस 2 या 3 क्लास में मुझे एक क्लास में बहुत अच्छा मैसेज मिला जिसका मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। कैसे, उन्होंने बोला पता है बड़ी बड़ी कंपनियों में जो सीईओ होते हैं सीएफओ होते हैं, वो उनका डिग्री कुछ भी हो, उनको करोड़ों रुपया सैलरी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है करोड़ों रुपया सैलरी, किस लिए देते हैं, क्या वो मशीन चलाते हैं, क्या वो कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, खाता बही बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? 2 ही शब्द में उसका आंसर था, पता है, जो आपका आज का चैप्टर का थीम बना हुआ है जिसमें अभी तक घुसाया नहीं, घुसाने वाला हूं आपको, 2 ही शब्द में आंसर था, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, समझ रहे हो, वो लोग जो वहां पे पहुंचते हैं ना, वो लोग इतने अनुभवी होते हैं, इतने कमिटेड होते हैं, इतने जानकार होते हैं कि वो बड़ा से बड़ा मुद्दा को सुनते हैं और बता देते हैं ऐसे करो, और उसके बाद कई दिनों तक लोग काम कर पाते हैं और उससे फायदा होने लग जाता है, उस बुद्धि का उनको रुपया मिलता है। तो ये बुद्धि आई कैसे, एक है घिस घिस के सीखो, जाओ मैदान जंग में, जरूरी है क्या पूरा दुनिया कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री कर गई वो सीख रहा है? दुनिया में कितने बड़े बड़े ऐसे डिसीजन मेकर बैठे हुए हैं, सबके पास ये डिग्री है क्या? हाँ जी, सुंदर पिचाई अगर अल्फाबेट का सीईओ बन के बैठे हुए हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन के बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, तो सबके पास वो डिग्री है क्या? तो कैसे सीखा उन्होंने, किसी ना किसी तरीका से तो सीखा ही है, कैसे सीखा, घिस घिस के, ट्रायल एंड एरर, नुकसान कर करके,
कोशिश किया, कोई को फैमिली से बैकग्राउंड मिल गया, कोई लोग धीरे 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 ट्रायल एंड एरर कर करके सीख गए। कई सारा गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी क्या करता है पता है, वो लोग बहुत सारा इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना रखा है कि आप वहां का सीईओ बनोगे ना आपको बहुत सारा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। वो लोग ट्रेनिंग दे दे के सिखा दिया। मुकेश अंबानी जी के तो पिताजी के साथ काम करते करते सीख गए। आप लोगों के पास दोनों ही नहीं है अभी तो क्या करें, आप डिग्री से सीख रहे हो भाई साहब। ये बात जरूर है कि जैसे आपका डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप फट से कंपनी में ज्वाइन करोगे बोलोगे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, अरे आप लोग हमको करोड़ों रुपया दीजिए, अभी आपके ऊपर दाव नहीं खेला जा सकता। लेकिन आपको वो माइंडसेट दिया जा रहा है कि उसका दिमाग में चल क्या रहा है, कल को तुमको जब मौका लगे तो तुम भी जल्दी से जल्दी वहां सीढ़ी चढ़ सकोगे। ये डिसीजन मेकिंग का पैसा मिलता है, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। हम भी यहां पे बैठ के आप मेरे को देखोगे कभी ऑफ द क्लास अगर हम कुछ कर रहे हैं तो सारा खेल मेरा यही दो शब्द में है, बाकी लोग चीज करने के लिए तो सब लोग हैं। मेरा काम है डिसीजन मेकिंग करना, सोचना क्या करना है कैसे करना है, कोई फंस गया तो गाड़ी आगे कैसे जाएगा। और वो इतना इजी नहीं है, इतना पढ़ाई करने के बाद भी इजी नहीं है, इट्स रियली टफ। बट अल्टीमेटली जो खाते हैं हम लोग जो बड़े लेवल पे होते हैं वो सोच से खाते, डिसीजन मेकिंग करके खाते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में डिसीजन मेकिंग करो। एक डिसीजन लिया ही ना कि चलो सतीश सर के पढ़ते हैं, सुबह उठ के डिसीजन लेते ही कि भैया कपड़ा कौन सा पहने, फिर नीचे उतर के सोचते ही बस से जाए कि मेट्रो से जाए। अभी यहां से निकल के सोचोगे भूख लग रही है नाश्ता यहां करे कि घर में जाके करे। तो ऐसे डिसीजन हम लोग हर समय ले रहे हैं, बट अपने लिए कोई भी ले सकता है भाई साहब। ये डिसीजन मेकिंग कैसे यूनिक है, इसमें आप सोच रहे हो ऐसा डिसीजन लेना है जिससे हमारा स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं हो जाए, हम कहीं कॉम्पिटिटर के चंगुल में फंस नहीं जाए। इतना आसान थोड़ी है ना कि बस कपड़ा पहनना कौन सा, ये नहीं वो नहीं। आपने कभी सुना है देखा है मार्क जुकरबर्ग हमेशा एक ही टी शर्ट पहनता है, नोटिस किया है? फेसबुक का जो मालिक है कभी गूगल करके देखा है उसका हमेशा एक ही टी शर्ट में मिलेगा वो, नोटिस किया है? तो इसका क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, उसका रीजन है वो लोग बोलते हैं कि कंपनी को चलाने के लिए ना बहुत सोचना पड़ता है और दिन भर में आदमी ज्यादा सोच नहीं सकता है, लिमिटेड सोच पाता है। तो सुबह सुबह उठ के हम ये भी सोचे कि आज क्या पहनना है तो मेरा सोच वेस्ट हो जाता है। ज्यादा डिसीजन लेने से क्या होता है, डिसीजन फेटिक हो जाता है। डिसीजन फेटिक मतलब थक जाते हैं हम लोग, थक जाते हैं कि क्या डिसीजन ले क्या डिसीजन नहीं ले। तो इसलिए उसको कम करने के लिए मैंने एक रास्ता बनाया कि मैं एक ही तरह का कपड़ा रोज पहनूंगा, कम से कम ये तो नहीं सोचना पड़ेगा कि जिससे कि हम अपना सोच को सही जगह लगा पाए, समझ गए? तो जो ये सब छोटा छोटा चीज पे काम करते हैं कि बड़ा डिसीजन ले सके वो लोग आगे जा रहे हैं। जितना भी बड़ा से बड़ा लोग है वो लोग बाकी मामले में ज्यादा से ज्यादा सिंपल है। आप कभी मुकेश अंबानी को बहुत सारा ब्रांड व्रांड पहनते हुए नहीं देखोगे, सिंपल, क्यों उसमें क्या डिसीजन लेना, वो डिसीजन ले रहा है कि कैसे हम लोग पूरे इंडिया पे राज करें, वो डिसीजन ये ले रहा है कि कैसे हम लोग वर्ल्ड वाइड अपना मार्केट को चला सके, तो वो सब का वैल्यू ज्यादा है ना, है कि नहीं? तो इसलिए वो लोग डिसीजन मेकिंग के ऊपर ही सारा अपना जीवन चला रहा है। और हम लोग लकी हैं कि हम लोग को पढ़ाई में सीखने का मौका मिल रहा है, करेक्ट? तो आइए मैं आपको शुरू करवा रहा हूं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर से। उसको बंद कराओ, वो एसी को बंद कराओ। अब आप लिखिए नया पेज में, वो वाला उधर से। नया पेज में लिखो डिसीजन मेकिंग। भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मेरा बात? हाँ देखो, हो सकता है आप सोच रहे होंगे सीधा सम करा देता, अरे यार मैट खुलवा देता, ऐसा सोच रख रहे तो फिर क्या होगा, मेरा रहने नहीं रहने का वजूद क्या है, वो तो आप डायरेक्ट अपने ही खुल के कर लेते। बैकग्राउंड थिंकिंग बता देने से क्या फायदा होता है कि
कैचअप कर पा दो, फट से कैचअप कर लो। मेरा गोल ये नहीं कि मैं सब बस आपको लिखा के भेज दूं, मेरा गोल ये है कि आप मेरे क्लास में जब बैठो तो आपको सोचना है। ये सब बातों से क्या होगा कि आपको सोचना आएगा, और सोचना आ गया अगर तो आप खुद ब खुद बहुत कुछ कर लोगे, है ना। एक कहावत है गोल्डन स्टेटमेंट, ये सब गोल्डन स्टेटमेंट मैं बहुत सारा देता रहता हूं, जैसे एक तो दिया ना, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये सब कहीं मार्जिन में लिख लिया करो, कभी फड़का मारने काम आएगा ना आपको भी, किसी को तो इम्प्रेस करना पड़ेगा कुछ बोल बोल के, ये सब इम्प्रेसिव चीज है, गोल्डन स्टेटमेंट है, लिख लिया करो कहीं पर भी बोला तो। एक और है कहावत, इफ यू गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे। अगर कोई भूखा है उसको अगर मछली दे दो तो एक दिन का काम हो गया, ठीक है। बट इफ यू टीच अ मैन हाउ टू फिश यू फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। मतलब समझ में आया आपको, आपको खाना बना के दे दिया तो आज का काम हो गया, बट अगर आपको खाना बनाना सिखा दिया तो जीवन भर का काम हो गया। इस मामले में मेरे को हमेशा लगता है हमारे माँ बाप ने लड़कियों के साथ बहुत अच्छा किया, लड़कों के साथ बुरा किया, है कि नहीं। हम लोग को खाना बनाना सिखाया ही नहीं, अब सीखने बनता नहीं, और लड़कियों को शुरू से सिखा दिया तो लड़कियां भूखी नहीं रहती ज्यादा, कभी भी भूख लगा चल कुछ बनाते हैं और अपना पसंदीदा बना के खा लेती है, और लड़के बेचारे डिपेंडेंट रह जाते हैं, पैसा ज्यादा खर्चा करते हैं, बाजार में जाते हैं, है ना, खुद बनाना आता नहीं और ज्यादा से ज्यादा बेसिक चीज बना लेते, उससे ज्यादा कुछ आता नहीं, और मेरा तो हालत ऐसा कि बेसिक भी नहीं आता। तो ये बात है कि मेरे को भी यही थॉट लगता है आप लोगों के साथ पढ़ाने में, कि भाई मैं आपको अगर हाउ टू फिश सिखा दिया ना तो आपका जीवन भर का काम हो गया, आप मुझे सिर्फ एग्जाम तक याद रखें, मेरा ये गोल नहीं है। आप हाउ टू फिश सीख जाएं और फिर मुझे जीवन भर याद रखें, वो मेरा गोल है। कि सर के यहाँ पे गए थे ना, वो ऐसा सोचना सिखा दिए कि अब तो हम कहीं पर भी कुछ भी कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन मेकिंग जब मैं पढ़ाता हूं, मैं इसी सोच से पढ़ाता हूं। इस डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे मैंने डिवीजन बना दिए आपके लिए, ये एक बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, इसको हल्का में मत लेना, ठीक है, इसको करने में समय लगेगा, और इसमें बहुत सारे सम्स आपके इंस्टीट्यूट मैड में करंट बुक्स में हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है रेलेवेंट कॉस्टिंग, आप लिखो ऐसे, ये यूनिट्स का नाम है, इसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स है, ठीक है, यूनिट्स बोल के लिख दे रहे हैं। नंबर टू है इसमें सीवीपी एनालिसिस, नंबर थ्री आप पढ़ेंगे मेक और बाय डिसीजन, नंबर फोर आप पढ़ेंगे की फैक्टर्स, नंबर फाइव आप पढ़ेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग, नंबर सिक्स आप पढ़ेंगे सर्विस कॉस्टिंग, ये सब इसके छोटे छोटे यूनिट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बेसिक डिसीजन मेकिंग का पार्ट है,
अब इसके अलावा एक और इसमें कई बार इसी के अंदर का पार्ट आप समझ सकते हो, जैसे आप समझ लो ये यूनिट ए है आपका, ऐसा सोच लो दिस इज यूनिट ए, ए के अंदर इतना सारा एक यूनिट बी भी बनाया जा सकता है, उसमें भी डिसीजन मेकिंग कंटिन्यू ही होता है, ठीक है, वो है ट्रांसफर प्राइसिंग। ये यूनिट बी में एक ही है ट्रांसफर प्राइसिंग, इसका थीम थोड़ा सा अलग होता है इसलिए इसको अलग कर दिया, तो पूरा यूनिट ए बोल दो और ये यूनिट बी बोल दो। तो आप अभी हमारा फोकस है आपके साथ इन सब पे बात करना, ओके। तो आइए अब आप हेडिंग दीजिए, कुछ छोटा छोटा बेसिक्स पे, खाली बेसिक्स, इसी के अंदर अभी डिसीजन मेकिंग के अंदर ही थोड़ा सा बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। नंबर वन, टाइप्स ऑफ डिसीजन, टाइप्स ऑफ डिसीजन। बहुत सारी चीजें जो मैं यहां पे बता रहा हूं वो इस एंगल से बता रहा हूं कि वो आपका माइंड को डेवलप करने में हेल्प करेगा, इस सोच के नहीं बता रहा कि वो इंस्टीट्यूट मैट में लिखा हुआ है। आप इस थॉट प्रोसेस से जाओगे तो इंस्टीट्यूट मैट में जो दिया वो देखते ही समझ में आ जाएगा, ये 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 है, ये ऐसे हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ डिसीजन आपको नहीं मिलेगा, बट आपके पढ़ाई में इस चीज इस एंगल से सोचने से आपको कैचअप जल्दी होगा। टाइप्स ऑफ डिसीजन में दो पार्ट निकालो, एक है शॉर्ट टर्म और वन टाइम डिसीजंस। दूसरा है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म डिसीजंस जितना भी लॉन्ग टर्म डिसीजन है उसको लेने के लिए दो टेक्निक यूज होता है, रेलेवेंट कॉस्टिंग अलोंग विथ कैपिटल बजटिंग। एफएम में पढ़ के आए हो ना आप कैपिटल बजटिंग, ये लॉन्ग टर्म का काम है। इधर से दो पार्ट निकालो, एक है आपका वन टाइम विथ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, विथ अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंपैक्ट, और दूसरा है रूटीन शॉर्ट टर्म डिसीजन। रूटीन शॉर्ट टर्म डिसीजन, वन टाइम डिसीजन विथ अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंपैक्ट, और एक है रूटीन शॉर्ट टर्म डिसीजन, ठीक है। सो वन टाइम विथ अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंपैक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे ऐसा कोई डिसीजन जो ज्यादा लंबा समय तक अफेक्ट नहीं करेगा आपको और एक ही बार लेना है, तो ऐसा कैसा डिसीजन हुआ। बिल्कुल, जैसे सोचिए मेरा एक कस्टमर था, वो मेरे को ऑर्डर देके गया कि ऐसा एक मशीन उसके लिए बना दो, मैं मशीन बनाता हूं अलग अलग टाइप का, तो आपका ऑर्डर आया उसके हिसाब से मैंने मशीन आपके लिए बनाया, एडवांस ले लिया था, पूरा पैसा नहीं लिया बट मशीन ऑलमोस्ट बना दिया, कि खबर आया कि आप भाग गए, गायब हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, फंस गए, और कोर्ट से आपके वहां पे चिट्ठी निकल गया कि कंपनी बंद होने वाली, आपका कंपनी। अब मैं क्या करूं, आधा मशीन से मतलब मशीन ऑलमोस्ट बना डाला था, आपसे एडवांस लिया था, पूरा काम तो नहीं हुआ, अब मशीन तो बचा रह गया, क्या करें अब इसका, समझ गए। अब ये हेडिंग सोचो क्या है, वन टाइम विथ अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंपैक्ट। ऐसा हर समय होता है क्या? नहीं, वन टाइम सिनेरियो है,
इसका इम्पैक्ट क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक बार कर रहे, देखते कुछ एक मान लीजिए ऐसे सिनेरियो में क्या करे वो मेरे को ज्यादा लंबा समय तक इम्पैक्ट नहीं करेगा, इस महीना, अगला महीना, छह महीना, उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। और ऐसा रोज रोज नहीं होता है, वन टाइम वाला सिनेरियो है। तो एग्जांपल क्या हुआ, कस्टमर ऑफ कस्टमाइज्ड मशीन या कस्टमाइज्ड मशीन, हाँ ठीक है, कस्टमाइज्ड मशीन हैज बिकम इनसॉल्वेंट। So how to deal with the machine, with that customized machine? Customer insolvent हो गया, उससे अपने को क्या लेना देना भाई, सोचो ना। Customer insolvent हो गया, उसका मैं क्या करूं भाई, तू जा, मेरे को तो टेंशन हो गया मेरा मशीन का ना, समझ रहे, कैटेगरी ऑफ डिसीजन समझ में। अब ऐसा कोई एनालिसिस आपको मिलेगा नहीं इंस्टीट्यूट मेट में, ये बस हम लोग ने इतना बार इंस्टीट्यूट मेट पढ़ा तो खोज खोज के इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि आपको तो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि अब इसको कैसे हैंडल करना है। और एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया एक एट अ वेरी लो प्राइस, एट अ वेरी लो प्राइस मतलब ऐसा प्राइस कि जो हम लोगों का नॉर्मल प्राइस से भी कम है, तो हम कंफ्यूज हो गए, शुड इट बी एक्सेप्टेड। मान लीजिए 100 रुपया पे नॉर्मली बेचते हैं और एक्सपोर्ट ऑफर आया 25 रुपया पे, आप बोलेंगे ये क्या तमाशा है, 100 में बेचते 25 पे आया तो करे कि नहीं करे। अब पॉइंट है कि वन टाइम है, वापस नहीं आएगा, आपको एक एक्सपीरियंस लेने के लिए करना है क्या, एक्सपोर्ट कैसे होता है आइडिया लग जाएगा। और कई बार होता है कोई पहचान का आदमी है, क्या करे, ना नहीं बोल पा रहे हैं, फंस जाते हैं ऐसे कंपनी में, तो ऐसे सिनेरियो में कैसे सोचे, ठीक है। तो ये सब सिनेरियो का डिसीजन मेकिंग होता है रेलिवेंट कॉस्टिंग से, विच कंबाइंस विथ within it, it combines with marginal costing also, मतलब marginal costing इसके अंदर included है, मतलब marginal costing को base लेके ये सोचता है, but main सोचने का तरीका relevant costing, ठीक है। technique का नाम आपको बता रहा हूं। अब routine short term decision है, तो उस समय जैसे फॉर एग्जाम्पल आप निकाल रहे हो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा फॉर द कमिंग क्वार्टर, तो इसमें सोचने का क्या है, इसमें सोचने का है क्योंकि ड्यू टू मटेरियल शॉर्टेज, मटेरियल का शॉर्टेज होने वाला है, अगला क्वार्टर में लेबर का शॉर्टेज होगा, कुछ भी इश्यूज आ सकता है जो बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है, तो कैसे करना चाहिए ऑप्टिमम मिक्स फॉर द कमिंग क्वार्टर ड्यू टू मटेरियल शॉर्टेज। तो ऐसा डिसीजन नॉर्मली मार्जिनल कॉस्टिंग से ही होता है, जिसको आप सीवीपी एनालिसिस के नाम से पढ़े ही हैं इंटर में, बट उसका यूज किस तरीके से किया जाएगा वो आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए एक और टेक्निक यूज होता है जो आप लोग इंटर में ओएम में पढ़े, ऑपरेशन मैनेजमेंट सुने ना सब्जेक्ट, उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग सुने आप, नाम सुने ना बस, वो भी इसी का काम करता है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग के ही ब्रांच है, ठीक है, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग के ही ब्रांच है, तो वो प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व किया जाता है, समझ गए। तो ये सब हमारा कोर्स का पार्ट है,
इंटरेस्टिंग बात यह कि लीनियर प्रोग्रामिंग बोल के चैप्टर नहीं, वो यूनिट है। मेन चैप्टर है डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर कई सारे यूनिट्स है। हमारा फोकस अभी ये है, रेलिवेंट कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस, ये दोनों आपका टूल्स है, औजार। और ये जो मैंने चार जगह बनाया है, यहां पे एप्लीकेशन होगा, ठीक है। ये औजार का एप्लीकेशन इस तरह के डिसीजन पे होगा, मेक और बाय डिसीजन जो बनाया मैंने, आपको मैं समझाता हूं वो किस बारे में। मेक और बाय है कि मैं अपना मटेरियल खरीदूं कि अपना मटेरियल भी अपने यहीं बना लूं, ठीक है। तो ये डिसीजन अगर लंबा समय को इंपैक्ट कर रहा है तो रेलिवेंट कॉस्टिंग प्लस कैपिटल बजटिंग से होगा, और ये अगर शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो वन टाइम विद अ शॉर्ट टर्म इंपैक्ट रेलिवेंट कॉस्टिंग से होगा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग और मेक और बाय एक जैसा ही है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में फिनिश गुड्स के लिए बात हो रहा है, इसमें रॉ मटेरियल के लिए बात हो रहा है। कि फिनिश गुड्स भी कई बार हम लोग बाजार से खरीद के बेच दे क्या, इंस्टेड ऑफ खुद से बनाए, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग वहां पे आ गया। तो वही चीज है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा तो कैपिटल बजटिंग में घुस जाएगा, एनपीवी वगैरह निकालना पड़ेगा आपको, और अदरवाइज रेलिवेंट कॉस्टिंग से होगा। की फैक्टर का जो डिसीजन है वो ये ऑप्टिमम मिक्स वाला रूटीन डिसीजन, जिसके लिए हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज करेंगे। सर्विस कॉस्टिंग में नॉर्मली देखेंगे कि ऊपर का कोई भी चीज, उनका जो प्रॉब्लम्स है, सर्विस कॉस्टिंग थोड़ा डिफरेंट एंगल से चलता है ना, उनका प्रोडक्शन का कोई क्वांटिटी नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग वालों के तरह टेंजिबल आउटपुट नहीं होता, तो उनके यहाँ पे ये सब चीज अप्लाई अगर कोई मुद्दा आ गया तो कैसे होगा। जैसे उनके यहाँ पे सीवीपी कैसे होगा, ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, उनके वहां पे अगर कोई डिसीजन मेकिंग करना है तो कैसे कैलकुलेशन होना है, वो अपने सर्विस कॉस्टिंग में सीखते हैं। ऑडिट, तो ये बेसिक आउटलाइन आपको मैंने दे दिया टाइप्स ऑफ डिसीजन के बहाने। तो ये सब टेक्निक्स आपको अभी मेरे साथ सीखना है। दूसरा पॉइंट, टाइप्स ऑफ डिसीजन के बाद दूसरा पॉइंट है मीनिंग ऑफ कॉस्ट इन डिसीजन मेकिंग। जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उसका मीनिंग ऑफ कॉस्ट क्या है। नॉर्मल मीनिंग, ट्रेडिशनल मीनिंग कॉस्ट का है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, राइट। कॉस्ट का ट्रेडिशनल मीनिंग और डिसीजन मेकिंग में मीनिंग क्या है, ट्रेडिशनल मीनिंग और डिसीजन मेकिंग में मीनिंग क्या है। ट्रेडिशनल का मीनिंग है कॉस्ट में, वी विल से दिस, नंबर वन क्या बोलना है, बोलना है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो रटा हुआ बचपन से, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज used in production of goods or rendering of services, ठीक है। But decision making में meaning क्या है, decision making में meaning क्या है, इसमें meaning है cost को समझोगे cash outflow। क्या समझे, cash outflow को cost समझोगे, all right? अब एक होता है रियल कैश आउटफ्लो जो चला के लग गया, और एक होता है जो आने जो कैश इनफ्लो आने वाला था नहीं आ पाया, जिसको हम लोग नोशनल बोलते हैं। नोशनल मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नोशनल का मीनिंग क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पढ़े ना व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि जो इनकम आ सकता था नहीं आ पाया। रियल और नोशनल दोनों आ गया। डिसीजन मेकिंग में सिर्फ आउटफ्लो के एंगल से सोचोगे, पॉकेट से रुपया जा रहा है तो वो कॉस्ट है, पॉकेट में रुपया आने वाला था नहीं आ रहा है तो वो भी कॉस्ट है। हिंदी में लिख सकते हो अगर चाहो तो, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन चाहते हो अपने लिए, तो ऐसे हिंदी में साइड साइड में नोट्स लिखना अलाउड है। आप लिख सकते हो कि जो पॉकेट से जा रहा है वो है आउटफ्लो,
और जो पॉकेट में आने वाला था लेकिन नहीं आ रहा है, कैंसिल हो गया, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, हालांकि हम लोग आगे भी बात करेंगे, बट आपको अगर कुछ भी एक्स्ट्रा अपने तरफ से लिखना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। थर्ड पॉइंट प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है? हर डिसीजन मेकिंग का एक फ्रेमवर्क चलता है, ठीक है, तो फ्रेमवर्क को थोड़ा समझना। इसमें सबसे पहला होता है कि आपको अपना गोल ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है। क्या चाहते हो? आउटकम क्या चाहते हो? एंड रिजल्ट क्या चाहते हो आप? ठीक, अब उस आउटकम को अचीव करने के लिए कितना ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव्स गैदर करो। ऑल्टरनेटिव्स मतलब क्या हो गया? डिफरेंट वेज, हमें जहां जाना है वहां तक जाने का कितना रास्ता है। फिर हर ऑल्टरनेटिव का इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि आप इवैल्यूएशन का मतलब है कि आप चेक करोगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे आप। ठीक है, कॉस्ट और बेनिफिट चेक करोगे और अलॉन्ग विथ यू कैन से फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों वे से सोचोगे, जो आपको मैं स्ट्रेटेजिकली समझा रहा हूं। हालांकि नॉन फाइनेंशियल पे आपका सम्स नहीं आता उतना, खाली आपको थॉट प्रोसेस में अपना ले आना है, एग्जाम में सम्स आए चाहे नहीं आए। ठीक है, फिर क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव, इसमें से बेस्ट कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फिर उसका इंप्लीमेंटेशन, और फिर उसका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, कि उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो क्यों नहीं आ रहा, क्यों आ रहा है, जो सोचते हैं वो हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। समझ में आया आपको? इंप्लीमेंटेशन, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, तो ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, इसको फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। तो आज के बाद कभी भी कोई डिसीजन आपको भी लेना पड़े ना, क्या करूं, क्या गाना बना ना, गाना सुने ये वाला, क्या करे या ना करे ये कैसी मुश्किल है, सुने नहीं? कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। ये सबसे बड़ा समस्या है, हर समय जिंदगी में आता ही है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे इजी वे क्या लगता है पता है? सबसे इजी वे, जो ये सब पढ़ाई नहीं जानता वो क्या करेगा, किससे पूछूं? सबसे पहला स्टेप, किससे पूछूं? ठीक, आसपास कोई दिखता नहीं है, बोलते हम जो कर रहा उसका वैल्यू है कि नहीं है, यही होता है हम लोग के साथ। हम शायद गलत रास्ता पे आ गए क्योंकि मेरे को कोई मिल ही नहीं रहा है मेरे जैसा सोचने वाला, मेरे जैसा प्रॉब्लम फेस करने वाला। जिससे पूछ रहा है वो ऐसा ऐसा सवाल बता दे रहा है उल्टा कि हमको लग रहा है कि हम सही रास्ता पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहा है। फंसते हैं ना अपने जिंदगी में, तो फंसते हैं ना, अटेम्प्ट दे अभी नहीं दे, है कि नहीं, ट्यूशन यहां से ले कि नहीं ले, अपने से पढ़े कि ट्यूशन ले ले। तो जिससे पूछने जाते हैं वो बोलता है अच्छा तुम जो कर रहा हो उसका क्या नाम है, CMA, ये क्या होता है, कौन कॉलेज से होता है, कौन सा यूनिवर्सिटी, हम तो सुने नहीं रहे, क्या इसका वैल्यू है। बस जिससे पूछने गए वो तो और कंफ्यूज कर दिए, अब किससे पूछने जाए। तो हमारा समस्या क्या है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं। अब अगर बड़ा बड़ा कंपनी में फोर्ड, आपको पता है इंडिया से अपना बिजनेस बंद कर दिया, ये आपको मालूम है, खबर है, ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आज से एक न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए,
आपको हर सब्जेक्ट में फायदा होगा, हर सब्जेक्ट में। कंपल्सरी सब्सक्राइब कर दीजिए जाके वो न्यूज़पेपर, भले ही आज खोल भी नहीं पाए कोई बात नहीं, खाली हेडलाइन भी खाली चार पांच तो देखिएगा। न्यूज़पेपर का नाम है बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर दीजिए, मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, वो 100 रुपया 200 रुपया जो महीने का लगेगा, दैट विल बी अ बिग इन्वेस्टमेंट फॉर यू, मतलब इट विल हैव थाउजेंड्स टाइम्स ऑफ रिटर्न। उसका खाली हेडलाइन पढ़िए और कुछ नहीं, अंदर का इंटरेस्ट आए तो पढ़ लीजिएगा। ऐसा ऐसा उसमें बात आता है जो आपका पता चलेगा कि कल को वही SFM में आ गया, कल को वही FR में आ गया, कल को वही टैक्स में अमेंडमेंट बन के आ गया। आप अप टू डेट रहेंगे ना तो आपको अमेंडमेंट का आइडिया हो जाएगा, बाकी ऑफिस में जो बात हो रहा है वो सब आपको पूरा कनेक्टिविटी दिखेगा, आउटलुक चेंज हो जाएगा आपका बिजनेस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जब कभी भी अब रियल में ऐसा सिनेरियो आएगा, फोर्ड का जो यहां पे इंडिया हेड था उसको ये डिसीजन लेना है, या ग्लोबल हेड था उसको डिसीजन लेना है कि फोर्ड इंडिया से विड्रॉ करेंगे, तो क्या करेगा वो? आप जैसे डिसीजन मेकिंग करेगा, किससे पूछे जाके। मान लीजिए उसका फोर्ड का जो दोस्त है वो एप्पल का मालिक है, बोले उससे पूछते हैं। ठीक है, एप्पल का मालिक बोल देगा उसको, तू बना क्या रहा है भाई, गाड़ी में कोई बैठता है? आजकल तो सब मोबाइल यूज करता है, मोबाइल का मार्केट है। वो ऐसा उसका माता घुमा देगा कि बोले हम किससे पूछने आ गया। आप लोग तो यही करते हैं, डिसीजन मेकिंग का पूछ के होता है। हमने कहीं लिखा कि आस्क एनीवन, कहीं लिखा है हमने आस्क पीपल अराउंड यू, बट आप तो वैसे ही फैसला लेते हैं और फंस जाते हैं और फिर सारा चीज छोड़ के बैठ जाते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये फ्रेमवर्क से जाओ। आज के बाद डिसीजन मेकिंग करना है, क्या करने का है, क्या चाहते हो उसको पहले लिखो, क्या क्या रास्ता अवेलेबल है। अब ये रास्ता के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा लोगों से। हम आपसे वो नहीं पूछे कि आप ये पूछिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम आपसे ये पूछे आपको कोई रास्ता समझ में आ रहा है कि क्या करा जा सकता है। नहीं आ रहा तो मत बताइए, आ रहा है तो बताइए। ये रास्ता खोजने के लिए इंटरनेट पर रिसर्च करा जाता है, अपने गुरु से मेंटोर से पूछा जाता है, सीनियर से पूछा जाता है, पहले राइट पीपल, फिर अदर देन इंडस्ट्री भी किसी से पूछ सकते हो, बट पहले विद इन द इंडस्ट्री पूछोगे या खुद से रिसर्च करोगे तो option 1, option 2, option 3 खड़ा होगा। फिर हर एक का एनालिसिस होगा, कौन सा बेस्ट है उसी को सिलेक्ट करेंगे, बट जो सोचेंगे वो सही हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। डिसीजन जितना भी सोच के ले लीजिए वो गलत अभी भी हो सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना। हम लोगों का जो पढ़ाई है अभी, वो पढ़ाई है 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। रियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेहनत किस पे होता है पता है? 5 और 6। सोचना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ज्ञान देने में क्या है, ये कर लो। लेकिन आप सोचो, सोचने में भी टाइम लगता है बट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 20-80 रूल आपने सुना होगा कभी, 20% समय लगता है सोचने में तो 80% समय लगता है एग्जीक्यूट करने में। आप बिना सोचे एग्जीक्यूट कर भी नहीं सकते, वो बात अलग है। रियल वर्ल्ड का चैलेंज है इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, बट अभी आपको हम लोग सिखा रहे हैं इवैल्यूएशन और सिलेक्शन। ठीक है, तो ये इवैल्यूएशन और सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिसीजन ले रहे हैं उसके ऊपर, और उसके हिसाब से आपको टेक्निक चूज करके इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। आज मैंने सारा सब्जेक्ट का फ्रेमवर्क आपको दिया, ओवरऑल CMA का स्ट्रेटेजी आपको समझाया, और तीसरा मैंने डिसीजन मेकिंग का एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठाया, उसका यूटिलिटी आपको समझाया। मेरे हिसाब से दिस इज इनफ टू एंटर इनटू द सब्जेक्ट। अगला दिन हम लोग रेलेवेंट कॉस्टिंग नाम का टेक्निक को सीखना का कोशिश करेंगे कि वो कैसे सोचने के लिए बोलता है इन द सिनेरियो विच इज एप्लीकेबल फॉर इट। हर सिनेरियो में रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं लग सकता है, बट जो सिनेरियो में लगेगा उसमें उसके एंगल से कैसे सोचते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है,
और बहुत मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। कुछ कुछ आपको अपने में चेंजेस लाना पड़ेगा, वो चेंजेस है, पहला आपको इंडेक्स आज बनाना सिखाया, आज इंडेक्स घर जाके कंप्लीट करेंगे, पूरा कॉपी में पेज नंबरिंग ले आएंगे। चेंजेस ये कि आप जैसे स्टूडेंट थे उस तरीका को कॉपी पेस्ट मत करिएगा। एक चीज रूल समझ लीजिए लाइफ में ना, जो रूल से आप पास्ट में सक्सेस लाए थे जरूरी नहीं है फ्यूचर में उसी रूल से सक्सेस आएगा। फाउंडेशन का रूल इंटर में नहीं लगता, इंटर का रूल फाइनल में नहीं लगता। लूडो में चैंपियन बन गए तो चेस भी खेल लोगे, तो लूडो में आप कोई गेम में हारते नहीं है तो चेस में भी जीत ही जाओगे ना, नहीं ना, रूल्स अलग है, तो बस वैसे ही समझना। तो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो अब इस नए मैदान जंग के लिए दिया जा रहा है। तो इंडेक्स क्या करना है, वो चेंजेस अपने आप में आपको लाना है, इंडेक्स ऐसा बनाना है जो डिटेल्ड होगा। अभी आपका इंडेक्स में पहला आप लिख देंगे आज आपको क्या पढ़ाया मैंने पेज नंबर 1 में, मिथ्स अबाउट सीएमए, जिसमें आपको बता दिया कि भाई साहब सीएमए का वैल्यू है कि नहीं, सीएमए फाइनल का सब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है, हाउ टू पास सीएमए फाइनल इन वन अटेम्प्ट, ये अबाउट सीएमए सर ने बताया, ये इंडेक्स में चला जाएगा। सेकेंड इंडेक्स का आइटम होगा इस सब्जेक्ट के बारे में सर ने बताया, अबाउट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। बना लो ना अभी थोड़ा सा, बनाओ जाओ इंडेक्स, बनाओ, बनाइए जाइए इंडेक्स। शुरू में 10 पेज छोड़ने बोला था आपको, नहीं छोड़ा ना, छोड़ा है, बनाओ एक इंडेक्स बनाओ, जहां पे पेज छोड़ा वहां पे बनाओ, सीरियल नंबर, टॉपिक नेम, पेज नंबर। सर आप इतना इतना बारीकी से काम कर रहे हैं जी, शुरुआत से चलाना पड़ेगा, पूरा गेम्स का रूल चेंज हो गया है। सर इतने गवार थोड़ी ना हम लोग, अरे आप ऐसा रिलेट क्यों कर रहे हैं अपने आप को, मैं बोल रहा हूँ टेक्निक में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा, और जो टेक्निक है वो SCM के लिए ऐसा नहीं है, वो सब सब्जेक्ट के लिए है। तो पहला लिख देगा अबाउट CMA फाइनल, दूसरा लिख देगा अबाउट SCM सब्जेक्ट, या अबाउट SCM थिंकिंग लिख सकते हो, अबाउट SCM थिंकिंग, SCM कैसे सोचता है। तीसरा लिखिएगा डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब तीसरा के अंदर नंबर 1 लिखेगा बेसिक्स, डिसीजन मेकिंग के अंदर बेसिक्स लिखेगा, नंबर 1 बेसिक्स जो आज मैं पढ़ाया हूं। अगला दिन नंबर 2 आएगा, उसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग भी जब लिखेगा ना, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर भी बहुत सारा टॉपिक्स आएगा। मैं समझा पाया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फ्यूचर में जो इंडेक्स बनेगी आपकी, जैसे आज एक अंदर आपने लिख दिया अबाउट CMA, ये सब तो एक ही पेज का था, फिर अबाउट SCM थिंकिंग आपने डाल दिया, SCM में थॉट्स क्या होता है, थर्ड नंबर आपने डाल दिया, ये मेन चैप्टर आ गया आपका, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट सर ने बताया बेसिक्स, सेकंड अगला दिन आएगा रेलेवेंट कॉस्टिंग, ठीक है। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग जब आएगा तो उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, टॉपिक 1, 2, 3 उसका भी हेडिंग बनेगा, फिर जब क्वेश्चंस होंगे तो उस क्वेश्चन का भी हेडिंग बनेगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, समझ गए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ऐसे करके जाएगा इंडेक्स। ये आपको अभी नहीं इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा लास्ट डे ऑफ द एग्जाम, आपको तब समझ में आएगा। अब ये ऐसा SCM में करना है, ऐसा नहीं हर सब्जेक्ट में करना चाहिए। सर जहां जो सब्जेक्ट हम आगे बढ़ा दिए उसका क्या करें, उसका एक उपाय है कि लूज पेज में इंडेक्स बना के कॉपी में आगे चिपका दोगे। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज क्या पता है, इसको कंटिन्यू करना। अब आज आप तो कर लिए, मैं तो आज बोलूंगा, कल बोलूंगा, परसों बोलूंगा, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा, आप 2 दिन करोगे, 3 दिन नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा प्रैक्टिस अपने आप में लाओगे, इससे क्या होगा आपका लोड कम हो जाएगा रिविजन का। फिर हम लोग बाद में जब रिविजन करेंगे ना, तो इसमें भी क्वेश्चन में मार्किंग कर डालेंगे, कौन सा क्वेश्चन फिर से देखने का है, कौन सा नहीं देखने का है। तो जिस पेज में मार्किंग किया हुआ है वही, जिस क्वेश्चन में मार्किंग किया वही देखने का है, तो लास्ट डे का जो रिविजन है वो परफेक्ट हो पाएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए
ऐसा इंडेक्स आपको बनाना है, इसलिए आपको 10 पेज छुड़वा दिया और ऐसा हर सब्जेक्ट में करने का कोशिश करना है। दूसरा आपको आज का टास्क क्या मिला है कि प्लानिंग मेरे को दिखाना है बनाकर कि ऐसा कैसे प्लान बनाएंगे जिससे कि आपका आपको ग्रुप वन देना है तो मोस्ट वेलकम, ग्रुप टू देना है तो मोस्ट वेलकम, ठीक है, जो भी ग्रुप देना है, बट ट्यूशन कब खत्म होना चाहिए, एक ग्रुप देना है तो 3 महीना पहले, दो ग्रुप देना है तो 6 महीना पहले, उसके हिसाब से बैक कैलकुलेशन निकाल के लाएंगे। एक अलग पेज में उसको करिएगा, इसमें मत करिए कॉपी में, कि आवर्स पर डे आपको कितना पढ़ना है हर सब्जेक्ट का। मान लेते हैं एक बार कोचिंग आप लेंगे अज्यूम करके, तो थोड़ा वेबसाइट्स वगैरह में रिसर्च कर लेना कि एक एक सब्जेक्ट में कितना ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस होता है उसके हिसाब से। तो इससे क्या होगा, आपका आंख खुल जाएगा पहला दिन से ही कि आपको हर दिन में कितना देर पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो आपका टर्म खराब हो जाएगा। और एक टर्म खराब हुआ मतलब 6 महीना का नुकसान, 6 महीना का नुकसान मतलब 4 लाख का नुकसान, जॉब का 6 महीना का सैलरी गया। और ऐसे क्यों सोचते हो, ऐसा सोचो जिंदगी में 4-6 महीना कम कमाओगे, जिंदगी का 6 महीने का कमाई खत्म, और अभी का नुकसान क्यों सोचते हो, लास्ट वाला 6 महीना जिसमें करोड़ों रुपया सैलरी हो जाएगा उसका नुकसान सोचो ना, क्योंकि रिटायर तो पहले ही हो जाओगे, वो सैलरी तो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो क्यों इतना बड़ा लॉस अपने लिए लोगे। इसलिए प्लानिंग अच्छा करो, ठीक है, हो सकता है कि एक टर्म बाद में देना पड़ेगा, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, फेल होंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो बड़ा प्रॉब्लम है, हमें फेल होके पास होना है ऐसा नहीं है, हमें एक बार में पास होना है, भले उसके लिए मेरा एक टर्म बाद में लग रहा है वो फिर भी एक्सेप्टेबल है, या फिर वो बाद में नहीं लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अभी से मेहनत करेंगे। अगर मान लीजिए अभी प्लानिंग कर लोगे ना तो पता चलेगा दिन का 6 घंटा पढ़ना है, तो सुबह शाम करके पॉपअप कर लोगे, बट यही चीज अगर बाद में पता चलेगा तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो और ज्यादा जमा हो जाएगा, ठीक है, पता चला 12 घंटा करके पढ़ना है, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका ऑफिस भी चल रहा होगा, तो यू हैव टू फिगर दैट आउट प्रॉपरली। थोड़ा आज का टास्क यही आपका, ठीक है, इसमें कोई सवाल आएंगे और वो सवाल आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, और ऐसे इस तरह से आपसे मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी ट्यूशन में बात भी नहीं कर रहा होगा, आपको बस बोल रहा होगा इस सब्जेक्ट में आ जाओ, चलो चालू करो, बाकी सर तुम देख लेना। बट हमारा गोल एक ही है कि आपका सीएमए डिग्री आपके पास आना चाहिए, इसी कारण से हम अपना समय आपको ये सब चीज के लिए दे रहे हैं। आज आपको कोई सब्जेक्ट रिलेटेड असाइनमेंट नहीं दिया जा रहा है, बट मेन असाइनमेंट दिया जा रहा है कि कॉपी इस तरह से मेंटेन करना है, और दूसरा आपको असाइनमेंट दिया कि एक ऐसा प्लानिंग आप मुझे बताओगे, अपना लेकर आओगे करके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आवर्स पर डे कितना पढ़ोगे कि आपका एग्जाम टर्म डेफर नहीं हो, या आप जितना आवर्स पर डे पढ़ सकते हो उसके हिसाब से एग्जाम टर्म क्या होगा, दोनों भी हो सकता है, एक होता है हम आवर्स पर डे ऑफिस से है, मेरा जॉब है इसलिए हम इतना ही कर सकते हैं तो एग्जाम टर्म क्या होगा, या फिर एग्जाम टर्म फिक्स करके कितना आवर्स पर डे हमको पढ़ना है उसका प्लानिंग मेरे को चाहिए, एक सिंपल सा कैलकुलेशन, ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी से पूछ के करोगे, ये अपने बुद्धि से करके एक रफ पेज में ब्लैंक पेज लेके करके लाओगे। ऑलराइट, चलिए तो आज हम लोग यही रुक जा रहे हैं, फिर मिलते हैं, कोई प्रेशर मत लीजिए, हड़बड़ मत करिएगा, मैंने जैसे आपको बोला नए रिश्ते में थोड़ा सा सेटल होने में हम लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं, ज्यादा आप मेरे को पहचान रहे हैं, तो थोड़ा समय दीजिए, विद इन अ चैप्टर आपको हमारा टेक्निक भी सब समझ में आ जाएगा, विद इन अ चैप्टर आपको रिजल्ट्स भी दिखने लगेगा अपने आप में, आपका बात करने का अंदाज चेंज हो जाएगा, आप जब जूनियर को कोई सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होंगे आपका अप्रोच ऑफ थिंकिंग में परिवर्तन आएगा, आपका दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ाई करने का तरीका में परिवर्तन आएगा, तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट। ऑलराइट, चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।